जय श्री राधे। परम सौभाग्य आज यहाँ बद्री विशाल भगवान की भूमि में हम आप सब लोग मंगलमय भागवत की कथा में अवगाहन करें, उससे पूर्व हम सबके मध्य में पधारे महाराज श्री से मैं प्रार्थना करूं कि पहले दीप प्रज्वलन करें और दास को व्यासपीठ पर बैठा दें, उसके बाद अपनी वाणी से आज के इस मंगल प्रसंग का प्रारंभ करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण पुष्पाणि समर्पयामि। वंशे विभूषित कलाकरा नवनीरदाभात् पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासं वसिष्ठनपतारं सगते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं। नमो ब्रह्मणे देवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनात। सर्वगुण शांति है शांति रेव शांति है सामा शांति रे धी योगेश। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जे ओम नाग जात कर वीर रसाल पुष्प बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तौं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, गंगा मैया की, देव भूमि की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। हमारे दाऊ ब्रज के जो सबसे लाडले भगवान कन्हैया के जो बड़े भाई हैं दाऊ जी, उनके मंदिर से पधारे हुए हमारे वहाँ के सेवायत श्री दिनेश जी पांडे आज यहाँ व्यास जी का जो है दाऊ जी का पटका दे करके सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ में आप उनका स्वागत करें। बिल्कुल शांति से सब लोग विराज जाओ और संभव हो सके तो वो पर्दे खुलवा दो ताकि आप लोग दिखते रहो। आज परम सौभाग्य है हम आप सब लोगों का भगवान बद्रीविशाल की इस पावन भूमि में अविराजित होकर के हम लोग आगामी 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का मंगल प्रवाह जो भी इस व्यासपीठ से संभव हो पाएगा वो श्रवण करेंगे। आज हम सब के मध्य में श्री बद्रीनाथ भगवान के परम सेवाधिकारी धर्माधिकारी एवं जिनके भाव से ठाकुर जी का उत्थापन होता है, ठाकुर जी का शयन होता है, ठाकुर जी की आरती होती है, एक प्रकार से हमारी ब्रज की भाषा में कहें तो जैसे हमारे ब्रज के लाला मैया के कहवे ते भोजन पामे, मैया के कहवे ते सोमे, तो धर्माधिकारी एक उपाधि के नाम में है लेकिन वैसे तो कहें तो इस क्षेत्र में श्री बद्रीनाथ भगवान जिनकी इच्छा से ही उठते हैं, जिनकी सुंदर वाणी सुन के ही सोते हैं, जिनकी वाणी सुन के ही सब पूरी क्रिया करते हैं, ऐसी मैया हमारे धर्माधिकारी जी श्री उनियाल जी हमारे मध्य में पधारे हैं और आपका आशीर्वाद हर कथा में, जब भी तीसरी कथा ये बद्रीनाथ भगवान के चरणों में दास को अवसर प्राप्त हो रहा है, हर बार आपका आश्रय आपका आशीष प्राप्त होता है। आज भी आप श्री का मंगल आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और देखो साथ ही हम सबके मध्य में ज्योतिर्मठ के हमारे वर्तमान प्रभारी और परम पूजनीय जिनको खूब स्नेह पूज्य शंकराचार्य भगवान का प्राप्त होता है ऐसे श्री मुकुंदानंद जी सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। आज व्यासपीठ की शोभा आप देख रहे हैं, यहाँ एक तरफ श्री आद्य शंकराचार्य भगवान विराज रहे हैं, दूसरी तरफ श्री वेदव्यास भगवान विराज रहे हैं, तो इन दोनों के भाव से तो श्री वेदव्यास जी के तो प्रतिनिधि के रूप में श्री धर्माधिकारी जी और आद्य शंकराचार्य भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी। आप दोनों की ही कृपा से हम जनमानस को इस बद्रीनाथ भूमि का लाभ प्राप्त है, आप दो जो विराज रहे हैं, तो ऐसे पूज्य संत पधारे हम सबके मध्य में। प्रथम मैं निवेदन करूं हमारे श्री धर्माधिकारी जी महाराज कि आप समस्त हम सब वैष्णव जन जो जो यहाँ पधारे हैं
सब लोगों को श्री बद्रीनाथ भगवान का संदेश सुना करके, सब लोगों को बद्रीनाथ भगवान का आशीष सुना करके कृतार्थ करें, आनंदित करें। तत्पश्चात फिर हम सबके मध्य में पधारे ज्योतिर्मठ के वर्तमान प्रभारी श्री मुकुंद हरि जी सरस्वती जी महाराज, कुछ भाव प्रस्तुत करेंगे। श्री धर्माधिकारी जी महाराज, श्री बद्री विशाल भगवान की जय। आदित्यकायां नरनारिगिर्यो रंतर्भवायां भवशाखिबीजं जयजिव्यते कश्चित् भौमतेजा पुञ्जोदयश्री बद्री ससंज्ञः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यासासन पर विराजमान आदरणीय भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप और इसकी कथा सुनाने के लिए बैठे सुंदर परंपरा का निर्वहन करते हुए विद्वान इंद्रेश जी महाराज, आप पे आपके वंश की बड़ी कृपा है, पिताजी की बड़ी कृपा है। मैं तो ढूंढ रहा था पिताजी किधर दिखाई दें, वो विदेश जा रहे हैं तो आ नहीं पाए। उनके साथ बहुत सानिध्य हमारा रहा है, बहुत सानिध्य रहा है आपके पिताजी स्वनाम धन्य श्री कृष्ण शास्त्री जी। वाह क्या नाम है महाराज, कितना आनंद हमने उनके साथ यहाँ इन मंडपों में लिया, एक नहीं कई मंडपों में कथा हुई। कथा कर्ता परिवार और कथा श्रोता आप लोग सबको कोटिशत प्रणाम है। वस्तुतः वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छक स्त्रोत्रीन तत्पाद सरलम यथा। भगवान की कथा हो जाना लाभ और इसके योजन में, इसकी कथा को करने में योगदान होता है कथाकर्ता यजमान परिवार, कथा वक्ता आदरणीय व्यास जी और कथा श्रोता आप लोग। जब तीनों इकट्ठा होंगे तब कथा प्रारंभ हो पाएगी। आप लोग सामने नहीं बैठे हैं तो वक्ता बोल नहीं पाता है। और एक बात सुनाए, जो जमीन में बैठा वो जमींदार और जो चौकी में बैठा वो चौकीदार, ये शास्त्र के चौकीदार लोग हैं। इस शास्त्र की चौकीदारी ईमानदारी के साथ इन लोगों ने करनी है और जमीन के मालिक जमींदार आप हैं। पहला कर्तव्य आपका है, दूसरा इनका। ये चौकीदार लोग हैं, मात्र शास्त्र के चौकीदार हैं। ऊपर बैठ के चौकी में बैठे, आप जमीन बैठे मालिक हैं, आप जमींदार हो गए। आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। वस्तुतः जब कथा वक्ता कथा बोलते हैं तो भाव उठते हैं महाराज, और वो देखते हैं कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, किसको नींद आ गई, किसको घर की याद आ गई, अरे कौन सुन रहा है। और कभी कभी कथा श्रोताओं के साथ सो जाती है, सो जाती है। जो सुनने के लिए आए हैं, जो लाभ के लिए आए हैं, वो लाभ नहीं मिल पाता है। भगवान शंकर बार बार पार्वती को सावधान करते हैं, सावधान मन करिपुरी सुंदर शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। पार्वती तुम सो जाओगी तो कथा सो जाएगी, याद रखना कि जब तक जगी हो तभी तक कथा हो पाएगी। और दशम स्कंद तक कथा सुने, एकादश में नींद आई गई महाराज, आई गई कथा सो गई, पूरी नहीं सुन पाई। ये प्रमाद नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक हमने देवी भागवत में देखा, दिने दिने ते दिक भक्ति भावा अकथा सुराजन महनी यकीर्ते श्रोता यदे कह
प्रणव शृणोति वक्ता तथा प्रीति मना ब्रवीति, वक्ता तथा प्रीति मना ब्रवीति। जब श्रोता तबीयत से सुनता है तो कथा तबीयत से निकलती भी है। याद रखिए आपका योगदान, आज प्रथम दिन इसलिए बोला हूँ कि 7 दिन का लाभ महाराज एक दिन भी चूक नहीं, अभी तो प्रारंभ हो रहा है। तो अपना ध्यान रखना कहीं प्रमाद न हो जाए। हमने सुना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा, भवंति हृतकर्ण रसायना कथा। ये कथा कान के रास्ते भीतर जाती है, अभिधनोत चिकल्मषम, भीतर के कल्माश पाप और ताप निकाल डालती है। ये कथा हमारा, इसी कथा को जो है कि केवल ये कि हमारा ग्रंथ ही नहीं है, ये ग्रंथ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का है, परमहंसों की संगीता, परमहंसायाम संगीतायाम, बड़े बड़े महात्माओं की संगीता, बड़े बड़े महात्माओं की समाधि लग जाती है। नमो भगवते तुभ्यम कृष्णायाद्भुत भेद से पपौ ज्ञानमयम सौम्याम यन्मुखाम्बुरुहासवम। ये ऐसा आसव है जब भगवान शंकर कभी डुबकी लगाते हैं तो बीते संबत सहत 87 साल जीवन के कब निकल गए भगवान शंकर को पता न लगा। ये वो ग्रंथ है और विशेष रूप से आप लोग सुनने के लिए आए हैं। जो काम करना है तबीयत से करना है, चाहे आप एक ही घंटा बैठ के सुने, लेकिन एक घंटा सुनिए, सोइए मत। आधे घंटे जितने देर सुनना है उतने देर कथा सुनने के लिए ही आए हैं। कथा सुनी भीतर की व्यथा निकल जाएगी, पक्की बात है। विशेष रूप से महाराज जी हमें बड़ा अच्छा लगा, उधर भगवान वेद व्यास, इधर आदिगुरु शंकराचार्य। वेद व्यास का यही आश्रम आप लोग गए, आप लोग जाएंगे, तस्मिन स्वाश्रमे व्यासो बद्री शंड मंडिता, यहीं ये कथा का प्रभाव निकला। और एक बात विशेष आपको बताएं कि पहली कथा भी बद्रीनाथ में ही हुई है। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दृशुस्तत्र नारदम। नारद जी से यहीं भेंट हुई और नारद जी ने यहीं से कथा प्रारंभ की है। सनक संदन सनातन संत कुमार यहीं मिले और इससे पूर्व आपको सुनाएं कि नारद जी बोलते हैं बद्रीनाथ में कथा होती है। बद्रीनाथ महाराज वो क्षेत्र है जहाँ की नित्य नारायण भगवान कथा बोलते हैं। नमो भगवते जाय लोकानाम स्वस्ति हेतवे बक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाश्रुतम, नारायण मुखाश्रुतम। मैं दुनिया में कथा बोलने जाता हूँ नारद जी के शब्द हैं, लेकिन सुनता कहाँ हूँ, बोले बद्रीनाथ में सुनता हूँ। नारायण मुखाश्रुतम, किधर वो नारायण। यो तेरिया आत्मनोसेना दाक्षायण्याम तु धर्मतः लोकानाम स्वस्ति ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे, तपो बदरिकाश्रमे। वो नारायण बद्रीनाथ में बैठ के तप किए जा रहे हैं, तपस्या हो रही महाराज की, वो नारायण है। वहाँ मैं बैठ के सुनता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के साथ मैं कथा सुनता हूँ और वहीं की सुनी कथा में संसार में ज्ञान बांटता हूँ। ब्रह्मन धर्मस्य भक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता, भगवान की वाणी है कि कथा का वक्ता भी मैं ही हूँ और इसमें अनुमोदन करने वाला भी मैं ही हूँ। कहने का भाव कि भगवान नारायण कथा वक्ता है, मैंने पढ़ा स्वयं में कि जो ये अधिक मास की कथा में भगवान नारायण कथा बोल रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा सामने बैठ के सुन रहे हैं। और श्री बद्रीनाथ उवाच, कथा प्रारंभ हुई, लिखा पुस्तक में और आज कथा समाप्त कल होगी। इत्युक्त्वा बद्रीनाथो बिरराम महामुनि, आज की कथा समाप्त हुई, भगवान बद्रीनाथ आज चुप हो गए, अब कल कथा बोलेंगे, ऐसा कथा में आया महाराज, ऐसा आया है। कहने का भाव यहाँ का वक्ता भगवान बद्री विशाल है, यहाँ का वक्ता भगवान नारायण है और यहाँ के श्रोता ऋषि मुनि महात्मा आप लोग सामने बैठे हैं। आप कोई सामान्य नहीं है, आप 10,500 फुट की ऊंचाई पर आए हैं। यहाँ किया हुआ कर्म, यहाँ किया हुआ धर्म, यहाँ की हुई तपस्या, यहाँ सुनी कथा 10,000 गुना ज़्यादा लाभ देती है। ये महाव्रत में दैत्यम सहस्त्र कवचम वर, तो भगवान ने कृपा की, आपको बुलाया। हम तो डर रहे थे बाबा कि इस साल भीड़ ज़्यादा आती है,
परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। आप आए, हम सामने बैठ गए भगवान के पास और निवेदन किया, भगवान ने तुरंत स्वीकार किया और आप पहुंच गए। कथा प्रारंभ होगी। ये भगवत कृपा है। भगवान वेदव्यास के क्षेत्र में आपने भगवान वेदव्यास का चित्र लगाया। हम सामने गेट पर आ रहे थे, मन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि बिना वेदव्यास की कथा है ही नहीं है। व्याख्योत सिस्टम जगत सर्वम की जो कुछ लिखने से निकली, व्यास जी की लिखने से निकली है। बाद में भास ने लिखा हो, कालिदास ने लिखा हो, लेकिन लिया वेदव्यास से। आदि स्रोत भगवान वेदव्यास ही हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। आदि गुरु शंकराचार्य यहीं भक्ति रस में सरोवर हो गए थे महाराज। चिदानंद रूप शिव शिव शिवम शिवम कहते थे। न मे मृत्यु भीता, न मे जाति संख्या, पिता नैव मैं नैव माता च जन्म, अहम गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। वो शंकराचार्य यहाँ आए। मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी थी जबता। वो आचार्य थे, अद्वैत के आचार्य थे, विद्वान थे और यहाँ आते 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 भक्ति में सरोवर हो गए। यहीं इस क्षेत्र में श्रीनगर से ऊपर आए शंकराचार्य। हमारे तो इष्ट ही भगवान बद्रीनाथ और हमारे गुरु ही शंकराचार्य हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ बोलते हैं तो बस प्रथम नारायण न समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम्पराम। इसी परम्परा में मैं रचा पचा हूँ। आज शंकराचार्य जी का चित्र जिन्होंने इस धाम का जीर्णोद्धार किया, सामने देख करके मन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आपने उनको उचित स्थान दिया, सम्मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है। विशेष रूप से कथा होगी 7 दिन। एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। भागवत में लिखा है कि गच्छोद्धव मया दिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम तत्र मदपात तीर्थो दे स्नानोपस्पर्शन शुचि ईक्षया लकनंदाया विधुता शेष कलमशा वशानो वलकलान्यंगा बन्यभुक सुखिनी स्प्रिया बन्यभुक सुखिनी स्प्रिया। बद्रीनाथ रहने के तरीके भगवान ने उद्धव को प्रभास यानी द्वारका के पास बता दिए थे। बद्रीनाथ जाओगे राजा, यहाँ कोई रबड़ी खाने नहीं आया है, कोई पनीर खाने नहीं आया है, यहाँ कथा सुनने आए हैं और यात्रा जिसमें थोड़ा कष्ट हो जाए वो कष्ट पाना है। कदाचित बढ़िया तकिया नहीं मिला तो समझा कृपा है, कदाचित बढ़िया रजाई नहीं मिली तो समझो कृपा है, कदाचित समय पर भोजन नहीं मिला समझो ये कृपा है। ये याद रखना, यहाँ बहुत बढ़िया तकिया में सोने नहीं आए हम, यहाँ बहुत बढ़िया रजाई उड़ के सोने नहीं आए हम, यहाँ बहुत बढ़िया माल उड़ाने नहीं आए, यहाँ कथा सुनने आए हैं, यहाँ भगवान का भजन करने आए हैं, यहाँ मनन करने आए हैं। कदाचित नींद कमाई तो समझो कृपा भगवान की हो गई है कि कुछ मनन आज महाराज जी ने कथा में क्या कहा, आपका मन चला जाएगा और वो मनन प्रारंभ हो जाएगा। जो मनन जा करके और कथा में मनन मिलता है, दुंधकारी ने किया था, वो मनन आपका प्रारंभ हो जाएगा, आपका जीवन एक ही कथा पवित्र पूत कर देगी। राजा परीक्षित ने एक ही सुनी थी, ऐसा लाभ मिला है। भगवान ने कहा कदाचित लाइट न रहे तो राजा चिंता नहीं, तेरे लिए गीजर की व्यवस्था मैंने की है, मैंने ऐसा कनेक्शन लगाया कि वो इलेक्ट्रिसिटी वो बिजली कभी फेल होती ही नहीं है। तत्र मत पाद तीर्थो दे स्नानो पस्पर्शन शुचि तप्त कुंड मैंने तेरे लिए बनाया, उसमें आनंद कर लेना और जो कुछ प्राप्त हो जाए उससे लाभ ले करके, और यहाँ लाभ लेने आए वो लाभ लीजिए, यहाँ सोने नहीं आए, यहाँ जप करने आए, ये कृपा है। और ये निश्चित है मयानुकूल नवस्वतम भवान भावदिम नतरित आत्मा कि ठीक प्रकार का शरीर मिल जाना और उसमें जाकर ठीक प्रकार का और मार्ग देने वाला गुरु मिल जाना, वो लाभ सबको नहीं मिलता। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। आपके पास है महाराज, मया अनुकूल नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरित स आत्मा। वो सब कुछ आपके पास है, बस भगवत कृपा शेष है। कथा समाप्त होते होते वो कृपा आपको मिल। भगवत यानी कि माँ है और माँ की ये जन्मभूमि है तो ये हमारी ननिहाल है और आप हमारे मामा हैं। जय श्रीमद् भागवत के मैं ऐसा मानता हूँ लगभग संपूर्ण श्लोक आपको कंठस्थ होंगे। निरंतर भागवत जी का पाठ चलता ही रहता है। जब भी मैं मिलता हूँ ऐसा होता ही नहीं कि 5-10 से कम श्लोक आप सुनाते हों। मंदिर भी जब भी जाऊँ तो कुछ ना कुछ श्लोक कहते ही हैं, कह के ही मिलते हैं। प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई, जो सुखदेव जी का लक्षण है, वो चलते फिरते उठते बैठते जहाँ जाते हैं भागवत के श्लोकों को बोलते रहते हैं।
तो वैसे ही हमारे पूज्य श्री धर्माधिकारी जी महाराज, खूब आपका स्नेह प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है, और आपकी दया से बद्रीनाथ भगवान के हमको चोरी चुपके दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसी दया आपकी हो जाती है, जब कभी भी मैं हम मतलब दुनिया जाती है लाइन लगा करके, तो वो देखते होंगे बद्रीनाथ भगवान को देखे, हम देखते हैं धर्माधिकारी जी कहाँ हैं, उनको हम दिख जाएं तो वो कहीं से पकड़ के हमको बुला लें, तो ये ऐसा भाव रहता है। आप श्री पधारे और मैं निवेदन करूं, ये सब वैष्णव जन पधारे हैं, दास पधारा है, आप कृपा करके एक दिन और पधारिए, और शाम को आज तो नहीं लेकिन कल से कथा 6:30 बजे पूर्ण होगी, और 6:30 बजे विराम होते ही यहाँ उत्सव होगा, तो कुछ पदावलियाँ आदि गाई जाएंगी, तो ऐसा आपका अगर आग्रह हम करें कि आप एक दिन और पधारें कथा में कृपा करके। आप व्यस्त रहते हैं इसलिए ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप पधारें तो बड़ी कृपा। हम सब के मध्य में ज्योतिर्मठ के वर्तमान प्रभारी, और अभी 1 महीने पहले ही मैं आया था यहाँ पर सब व्यवस्थाएं देखने। अब व्यवस्थाएं तो बद्रीनाथ में तब मैंने अभी आज शोभा यात्रा में ही कहा कि तपस्थली है। तपस्थली मतलब जहाँ शरीर की व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती हों, जहाँ शरीर अव्यवस्थित रहता हो, जहाँ पर शरीर को सोने के लिए अच्छे बिस्तर, खाने के लिए अच्छा भोजन, वर्तमान वातावरण अनुकूल ना मिले, वहीं तो तप होता है। ये बद्रीनाथ है, यहाँ तप के लिए ही हम सब आए हैं। यदि हमसे इतना भी श्रम हो जाए ना शरीर से, उसको तपस्या ही मान लेना। यहाँ आना भी तप है, यहाँ रहना भी तप है। मैंने महाराज जी 3 वर्ष की अपनी कथा में जो मैंने तीनों बार की हर बार अनुभव किया, यहाँ श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना रुक नहीं सकता कोई। अच्छे अच्छे धुरंधर देखे 3-3 दिन में वापस लौट जाते हैं। क्यों? सांस नहीं आ रही महाराज, घबराहट हो रही है, व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ये सब नहीं है तभी तो ये बद्रीनाथ है। ये सब युक्त तो हो जाए तो फिर हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ में अंतर क्या रह गया? बंबई दिल्ली में जो है वो यहीं हो जाए तो फिर अंतर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, केवल नारायण है। कितनों की जन्मभूमि महाराज बद्रीनाथ। आज याद कर रहा था मैं, वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, 17 पुराण, महाभारत, चारों वेद, मतलब हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मावली कहलाते हैं जिन वेदों की वजह से, जिन शास्त्रों की वजह से, उन शास्त्रों का उद्गम यहाँ हुआ। हमारे प्राण श्रीमद् भागवत का उद्गम यहाँ हुआ, उनका जन्म यहाँ हुआ, सबका प्रादुर्भाव, सरस्वती जी का उद्गम स्थल ये है, एकादशी का प्रादुर्भाव उद्गम स्थल ये है, कितनों के जन्म, उर्वशी यहीं प्रकट हुई, सबका प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ है, तो ये सब यहां पर विद्यमान है, सबकी भूमि है, और हमारी ननिहाल है। हम अपनी नानी के यहाँ आए हैं, और नानी के यहाँ जब बालक जाता है बड़ी खुशी से जाता है, और यहाँ विचरण करने वाले सब संत महात्मा, त्रिपुण्यधारी उर्धपुण्यधारी सब हमारे मामा हैं, सब अपने भांजा पर कृपा करके आए हैं। हमारे मध्य में श्री ज्योतिर्मठ से पधारे पूज्य महाराज श्री से भी निवेदन, कुछ भाव अपने प्रस्तुत करें। संगी हमारे मध्य में श्री वेदांत कुटीर के प्रभारी श्री गणत विजयाचार्य जी महाराज पधारे हैं, कहाँ गए, विराज गए, वे भी पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। शंकराचार्य मठ से श्री शंकर स्वरूप जी महाराज पधारे हैं, और साथ में श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे हैं। समस्त संत जन मामाओं को बारंबार प्रणाम वंदन करता हूँ, और महाराज जी से निवेदन करूँ कि आप अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें, तत्पश्चात फिर हम आज के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम्।
दीनं विलोकय दयार्द्र विलोचनेन। मंच पर विराजमान परमादरणीय परम सम्माननीय श्रीमान व्यास जी, आदरणीय उपाध्याय जी, इस क्षेत्र के विद्वत वरेण्य, हम सबके अभिभावक धर्माधिकारी श्री भुवन चंद्र रुनियाल जी, आदरणीय ब्रह्मचारी शंकर स्वरूप जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री आत्मानंद जी महाराज, कथा श्रवण के लिए पधारे आप सभी बंधुओं, मातृशक्ति, सबसे पहले कुछ कहें उसके पूर्व इस क्षेत्र के आराध्य देव भगवान बद्री विशाल के पावन चरण कमलों का स्मरण करते हैं। उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए हमारे परम गुरु ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित, हमारे गुरुवर्य पूज्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए आइए एक बार जयोद्घोष करें, फिर यथामति दो शब्द आपके साथ संवाद करेंगे, फिर परमादरणीय व्यास जी के श्रीमुख से कथा भाग श्रवण करेंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, महर्षि वेद व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा भवानी की, पूज्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादरणीय व्यास जी, आज के इस परम पवित्र अवसर पर श्रीमान धर्माधिकारी जी ने संदर्भ के अनुकूल सभी विषयों को विस्तार से और संक्षेप से, जो दो नीति है अपनी भारतीय मनीषा की, व्यास और समास पद्धति, इन दोनों पद्धति का अनुसरण करते हुए सभी विषयों को रख ही दिया है। हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सामान्य भूमि नहीं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय से दो परंपराएं चली, एक बिंदु परंपरा, दूसरी नाद परंपरा। बिंदु परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में आप हम सब उपस्थित हैं, नाद परंपरा के रूप में भी ये जो हमारी गुरु परंपरा है उसके आचार्यगण उपस्थित हैं, जो समय समय पर जब जब धर्म मार्ग से हटकर, धर्म मार्ग से च्युत होकर हम अधर्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तब तब भगवान स्वयं आचार्यों के रूप में अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करके पुनः धर्म मार्ग पर हमें प्रतिष्ठित करते हैं। कृते विश्वगुरुर्ब्रह्मा त्रेतायां ऋषिसत्तम द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम्यहम्। जो चतुर्युगी परंपरा है अपने यहाँ, अलग अलग युग में अलग अलग जगत गुरु हुए जिन्होंने धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया, उसी क्रम में कलियुग में जगत गुरु के रूप में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले अवतार धारण किया उन्होंने और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में प्रस्थानत्रयी प्रभाष्य, चार दिशाओं में चार वेद को आधार बनाकर चार पीठों की स्थापना, उस पे चार योगी शिष्यों को बैठाया। कहते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज जिस समय हुए थे उस समय भारतवर्ष में 72 तरह के मत थे, उन सभी से शास्त्रार्थ करके उन्होंने एक मत, ऐक मत स्थापित किया सनातन धर्म, और तब से जो परंपरा चलती चली आई उनके चार शिष्यों ने गुरु जी के आदेश का पालन किया और उसी तरह से उन्हीं परंपराओं को, जिनको भगवत्पाद ने निर्धारित कर दिया था, उन्हीं परंपराओं का परिपालन आज तक आचार्य पीठ पर बैठे पूज्य आचार्य चरण अपने अपने क्षेत्र में निरंतर कर रहे हैं। ये सामान्य भूमि नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, गुरुकुल कह सकते हैं,
क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे आदि गुरु भगवान के साक्षात विद्यावतार महर्षि वेदव्यास जी का ये विश्वविद्यालय है जो कि माणा गांव में आज स्थित है। उसी विश्वविद्यालय से सबसे पहले विद्या आरंभ, वेद विभाजन, वेद के बाद फिर पुराणों की रचना, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना। कहते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते, महाभारत ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें इस भारतवर्ष में जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है अथवा जो होने वाला है, सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जो महाभारत ग्रंथ में नहीं है वो भारत में प्रत्यक्ष देखना असंभव है। ऐसा महान ग्रंथ जय काव्य, इसकी रचना इसी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति महर्षि वेदव्यास ने किया और अपने शिष्यों को, जैबिनी को, पैल को, कण्व को, जितने उनके शिष्य थे सबको अलग अलग वेद की अलग अलग शाखाएं उपलब्ध कराई। आज भारतीय मनीषा के पास, आज हम भारतीयों के पास यदि कुछ है तो निश्चित रूप से महर्षि वेदव्यास के प्रसाद के रूप में ही जो हमको प्राप्त है वही है। अभी आचार्य जी ने बताया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कुछ भी मनीषा में, कुछ भी शास्त्रों में कहीं पर यदि हमको अच्छी बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो निश्चित रूप से उसके मूल को यदि हम खोजने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि महर्षि वेदव्यास ने निश्चित रूप से इस विचार को किसी न किसी प्रकरण में अभिव्यक्त किया होगा। ऐसे महर्षि वेदव्यास भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी की इस कार्यस्थली में आप सभी उपस्थित हैं। आदरणीय व्यास जी के श्रीमुख से, आदरणीय व्यास जी बड़े ही सरस वक्ता हैं, जैसा इनका स्वरूप विन्यास है, जैसा इनका वस्त्र विन्यास है, वैसा ही इनका स्वभाव भी बड़ा सौम्य है, बड़ा ही अद्भुत है। आदरणीय व्यास जी बद्रिकारण्य क्षेत्र में बैठ करके आप सभी को कथा सुना रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। ये सामान्य घटना आपके जीवन की नहीं है। धर्माधिकारी जी ने भी सचेत किया, हम भी केवल आपको यही संकेत करना चाहते हैं कि अवसर जीवन में बार बार नहीं प्राप्त होता है और ये असामान्य अवसर आपके जीवन में उपस्थित हुआ है। इस असामान्य अवसर का लाभ लेते हुए पूरी तन्मयता के साथ भगवान के परम पावन पवित्र चरित्र को सुनिए। एकादशवें स्कंद में जो कहा गया, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर निश्चित रूप से अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में उत्पन्न होना, संतों की संगति प्राप्त हो, तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण, तो ये निश्चित रूप से दुर्लभ में भी दुर्लभतम है, ये सामान्य अवसर नहीं है। इस अवसर का लाभ लेते हुए, और हम भारतीय कृतज्ञ संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, वैसे इस बात को धर्माधिकारी जी ने कह दिया है फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इतना सुंदर व्यवस्थित व्यास आसन बनाया गया जिसमें हम अपने आद्य पुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का, उनके पूर्वाचार्य श्री वेदव्यास जी महाराज का स्मरण करते हुए उनके सानिध्य में ये कथा। वैसे आप में से कितने लोग किस कामना से इस कथा को सुन रहे हैं, इसका यदि अनुशीलन किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक संख्या उनकी होगी जिनकी लौकिक कामनाएं होंगी, निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। लेकिन इस कथा में लौकिक कामनाओं की प्राप्ति तो निश्चित रूप से कथा श्रवण से आपको प्राप्त होगा, लेकिन महर्षि वेदव्यास और भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से ये कथा श्री उपाध्याय जी आप सभी को सुना रहे हैं, तो लौकिक के साथ साथ जो पारलौकिक कामनाएं निश्चित रूप से मनुष्य के मन में रहती हैं, आपकी वो कामनाएं भी निश्चित रूप से इस कथा श्रवण से फलीभूत होंगी, पूर्ण होंगी, ऐसा विश्वास करते हुए, अधिक न कहते हुए, आदरणीय व्यास जी के प्रति, आप सभी कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए सबके प्रति अपने हृदय का शुभ भाव अभिव्यक्त करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बलभद्र विशाल भगवान की जय। आज्ञा से प्रारंभ कर।
श्रीमते रामानुजाय नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चक्त्वासुजस्वजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयिते तमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणार। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्प वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलश गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसरा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथ अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रज मन नारायण 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 श्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 दर्शन करके आ गया बद्रीनाथ भगवान हमने नहीं किए अभी तक हम तो सोच रहे हैं रात में जाएंगे दर्शन करने तो मतलब बद्रीनाथ भगवान को पता चल गई है कि आप लोग आ गए हो लेकिन हमारी अभी पता चली कि नहीं पता नहीं क्योंकि मैं तो गया नहीं अभी तक
इसलिए मैं तो ऊंचे ऊंचे स्वर में गा रहा हूं ताकि मेरी आवाज पहुंचे बद्रीनाथ तक। वे कृपा करें कि कथा के बाद तुरंत बुलावे आओ, भैया तुम आ गए हमको बताया नहीं, इसलिए आप सब भी मेरी तरफ से थोड़ी ने प्रार्थना करो, हे बद्री विशाल इनको बुलाओ दर्शन के लिए। अरे खूब आनंद में खूब मस्ती में गाओ। ये देखो ये स्थान मुझे कथा के लिए बहुत प्रिय है, ऐसा नहीं है और स्थान नहीं, बहुत स्थान है, लेकिन इस स्थान की विशेष बात क्या है, नर नारायण दोनों पर्वतों के बिल्कुल बीच में। आप जब बीच प्रांगण में आओगे तो अपने पीछे की ओर देखोगे तो ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है, दोनों पर्वत पास में। इधर की तरफ हमारा संसार, हमारा जगत जहां से हम आते हैं, और इधर की तरफ भू वैकुंठ से वैकुंठ का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। चारों दिशाएं इसकी बड़ी पवित्र हैं, इसलिए मुझे यहाँ कथा कहने में बहुत सुख मिलता है। इसलिए आज अपने सुख को अपने आनंद को प्रकट करो पूर्ण उत्साह के साथ, आर्तनाद के साथ, अपने दिव्य स्वर के साथ गाओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, जगत जननी श्री गंगा मैया की, श्री सरस्वती मैया की, नर नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे गिरधर लाल की, हरिशरणम। परम मंगलमय परात प्रखिलेश्वर, अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणी में ही प्रतिमूर्ति हम सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से, भगवान बद्रविशाल की परम कृपा से एवं हमारे गिरधर लाल जी की परम इच्छा से हम आप सब लोग पृथ्वी के इस वैकुंठ, भू वैकुंठ, अनंत वेद अनंत पुराणों की जन्मस्थली श्री बद्रीनाथ धाम में विराजे हुए हैं। मंगलमयी कथा श्रवणार्थ यह हमारा परम सौभाग्य है। विगत 2 वर्षों से बहुत मचल रहा था मैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ की अनुमति नहीं थी। पहली कथा दास ने यहाँ 2018 या 17 में की थी, फिर दूसरी कथा 2019 में यहाँ पर हुई। तब से संकल्पित हुए थे कि हर वर्ष कथा करने आएंगे बद्रीनाथ में, लेकिन कोरोना की वजह से 2 वर्ष आना संभव नहीं हो पाया। इस साल बिना किसी नियोजन के, बिना किसी प्रयोजन के, एक मन में बस भाव था कि अगर अनुमति मिलेगी तो इस बार कथा करने बद्रीनाथ जाएंगे। और श्री लाल जी के सन्मुख ये प्रार्थना की, हे लाल जी, इस बार कृपा करो, आप बद्रीनाथ लेके चलो। मुझे प्रथम बार श्री लाल जी का अनुभव, उनकी एक दिव्य अनुभूति उसी बद्रीनाथ धाम में हुई। आप में से तो शायद कोई भी उस कथा में संभवतः नहीं भी होगा, जब लालजी विराज रहे थे और यहाँ कथा का कार्यक्रम 2019 में हुआ था, तब जन्मोत्सव वाले दिन लालजी का भाव रखा था कि लालजी यहाँ कथा में पधारें। और मैंने बढ़िया एक पालकी मंगा करके उसको सजा धजा करके लालजी को कक्ष में ही तैयार करके आया। प्रथम बार लाल जी कथा में पधारे थे तब। सब बालक हमारे जितने भी सेवादार और हमारे समस्त मित्र मंडली जो है, सब तैयार होके बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के और जन्मोत्सव वाले दिन लाल जी को पालकी में लेकर के यहाँ पधारे। अब विश्वास माने, जब वो पालकी वहां सामने से यहाँ आ रही थी, मैं कुछ बधाई गा रहा था नंदोत्सव की, और वो सबका स्वरूप देख के लाल जी को आते देख इतना मन गदगद हो गया कि नेत्र सजल जैसे हो गए। और तब इसी मसनद पे
मानो दोनों तरफ पैर लटका करके और मेरे गले में कंधे में ऐसे हाथ डाल के लाल जी, और यहाँ कंधा पे मुख को ऐसे पधरा करके और मौसम बस कान में केवल इतना कहे हूँ कि मुख उत्सव बहुत प्रिय हैं। बस वो एक अनुभव, एक अनुभूति लाल जी की तब यहाँ हुई बद्रीनाथ में। और हमारे सब भक्तिपद सेवा ट्रस्ट के लोग जानते हैं, मैंने उसी दिन लाल जी जब यहाँ विराजे, मैंने मंच से बिना किसी से बात किए बोल दिया कि लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव नाथद्वार में होगा। बाद में सब बोले कैसे होगा, क्या होगा, मैंने कहा कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा, क्योंकि लाल जी को उत्सव प्रिय है। फिर उसके बाद अब उत्सवों का क्रम तो आप लोग सब जानते हैं, लाल जी का जनवरी में होता है, लेकिन बद्रीनाथ एक वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी का मुझे हमारे लाल जी का, गिरधर लाल जी का मंगल में अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। तब से ही भाव था कि हर वर्ष आऊंगा, लेकिन दो वर्ष नहीं आ पाया, इसलिए इस वर्ष ये नियोजन हुआ है। और जैसा कि मैंने मंगल शोभा यात्रा से आने के बाद भी कहा था, पहले हमारी आने की व्यवस्थाएं अलग होती थी, पहले हम लोगों को बस से लेके आते थे हरिद्वार से, उसमें बड़ी झंझट थी महाराज, पहले लोगों को हरिद्वार में रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, फिर रात्रि में वे लोग रुकते, अब सबकी व्यवस्थाएं एक जैसी कर दो तो सब नाक मुंह मोड़े, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, फिर बस में सबको अनुकूलता नहीं लगे, हमको गाड़ी मंगवाओ, हमको ये करवाओ वो करवाओ। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझ पर कोई कल्प वृक्ष तो है नहीं जिस पर बहुत सारे पैसे लगे हों, सबको गाड़ी से लाना, इतना खर्चा यहाँ होता है बद्रीनाथ में। आप सब लोग जो प्रसाद पा रहे हैं ना, वो सब सामग्री ऋषिकेश से आई है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, सब चीज की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है यहाँ पे। तो फिर इस बार ये था, नहीं लोगों से कहो अपने आप आ जाएं, हम वहाँ जो जैसी व्यवस्था है वो कर देंगे, क्योंकि लाना ले जाना बहुत मुश्किल है। तो इस बार ये था कि भाई जिस अपने आप पहुंचो, जो आ सके, जिसको आना है अपने आप आ जाओ। तो हर बार तो हम लेकर के आते थे तो लोगों को दिखता था व्यवस्था है, बस से ले जाएंगे, लाएंगे, सब करेंगे, तो सब आते ही थे, खूब संख्या आती थी, ये हॉल में तिल रखने की जगह नहीं होती थी, इसमें इतनी भीड़ आती थी, बाहर तक भी लोग बैठते थे। इस बार लेकिन हमने कहा भैया इस बार नहीं, अपने आप आओ। और मन में कल ही भाव आ रहा था कि इस बार वही आएगा, वही पहुंचेगा जिसको बद्रीनाथ भगवान बुलाएंगे, और जिसको कथा से वास्तव में प्रेम होगा ना, वो गिरता पड़ता उड़ता उड़ता हुआ, और सर घूमता है महाराज, जब बस चलती है, गाड़ी चलती है, रात में जब यहाँ उतरते हैं ना लोग, देखने लायक चेहरे होते हैं उनके, कोई सिर पर पट्टी बांध के निकल रहा है, किसी में से विक्स की खुशबू आ रही है, हाँ कोई दो चार गोलियां डाल के, अरे कहाँ है कमरा बताओ भाई, कोई लड़खड़ा रहा है, किसी का पाम में दर्द हो रहा है, किसी की नस चढ़ गई है, किसी की कमर टेढ़ी हो गई है, आनंद आता है। सोचो पृथ्वी के वैकुंठ में आने में हमारी ये हालत होती है, हम उस वैकुंठ में जाने की बात करते हैं, क्या होगा हमारा। ठाकुर जी की सेवा भजन से अपने आप को हर व्यवस्था में ढालना सीखो। बद्रीनाथ इसलिए भी आना चाहिए, और अपनी व्यवस्था से नहीं, हमारी व्यवस्था से आना चाहिए, ताकि थोड़ा सीखें हम हर तरीके की परिस्थिति, व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। सोचो हम ऐसे रहते हैं 6 महीना जब यहाँ कोई नहीं होता, अकेले बद्रीनाथ होते हैं, कैसे रहते होंगे, कैसे विराजते होंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार अनधिकारी कोई नहीं आया, इस बार सारे वो आए हैं जिनको बद्रीनाथ भगवान से निश्चित प्रेम है, या ऐसा कह दूं तो बद्रीनाथ भगवान को जिनको बुलाना था वे पधारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, आनंद, खूब आनंद से कथा श्रवण करो बंधुओं, खूब आनंद प्रसन्न रहो। देखो यहाँ क्या होता है, एक बात बताऊं, जैसे आपका धीरे से सिर भारी होगा हल्का सा,
आपको चिंता अगर हो गई ना भारी हो रहा है तो वो भारी होता ही चला जाएगा। इसलिए यहां क्या करो, जैसे भी प्रतिकूलता हो ना, उस प्रतिकूलता को अपने दिमाग पर हावी मत होने देना, क्योंकि बंधुओं इस क्षेत्र के बारे में आपको अबृहद जानकारियां मिलेंगी। यहां पर भजन ना करने देने के लिए, कथा ना सुनने देने के लिए, यहां टिकने ना देने के लिए भी गण बैठे हैं। आओ सुनाते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न, त्रिलोकी नाथ को तपस्या की क्या जरूरत है, वो क्यों तप में बैठे हैं यहां पर? वो अपनी भृगुटी टेढ़ी कर देते हैं तो प्रलय हो जाता है, वे मुस्कुरा जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन बन जाता है। ये सारी सृष्टि जिनके केवल और केवल इशारे मात्र पर चलती है, उस त्रिलोकी नाथ को तपस्या की क्या आवश्यकता है? वो यहां तप कर रहे हैं क्यों, किसकी प्राप्ति के लिए, किस सिद्धि के लिए, किस उपलब्धि के लिए? क्या ये प्रश्न नहीं उठता कि आदि ब्रह्म नारायण, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो यहां तप कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी उनको? मैं अपनी कथाओं में कभी कभी बताता हूं, सुना हो तो अच्छा है, नहीं सुना हो तो सुनो। कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म और तपस्या इन दोनों के पुत्र का नाम है फल, जो हमें प्राप्त होता है। हम सब लोगों के पास में दो वस्तु हैं, कर्म है और फल है, तपस्या नहीं। कई लोग तो बद्रीनाथ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहां पर कोई भी 5-स्टार प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं आते? बोले अरे वहां पर रुकने की 5-स्टार व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो आपके लिए बद्रीनाथ है भी नहीं, 5-स्टार रहना है तो अपनी अपनी दुनिया में ही रहो। मैंने कल भी, हम आ रहे थे, हमारे बंबई के मधुसूदन जी, हमारे दिल्ली के डॉक्टर यशवर्धन जी, ये दोनों मुझको बेचारे उठा के लाए वृंदावन से, नहीं वृंदावन से नहीं, कहां से आए, ऋषिकेश से, बहुत लंबी चौड़ी भागदौड़ करके आए हैं हम। तो रस्ते में थोड़ा बहुत चर्चा इस स्थान की हो रही थी, तब मैंने इनको एक भाव बताया। मैंने कहा देखो, जैसे आप विष्णु प्रयाग पार करोगे ना, जोशीमठ से नीचे विष्णु प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग के बाद जैसी चढ़ाई शुरू होती है, आप देखना अलग होती है, वातावरण बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, सौंदर्य बदल जाता है, एक एक अलग सा सन्नाटा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का भाग है नहीं, ये वैकुंठ है। ये वैकुंठ का एक प्रकार से कह लो प्रथम द्वार है, यहां से प्रारंभ होते हैं, यहां के आगे जाते हैं सतोपंत आ जाता है, आगे से स्वर्ग का मार्ग आदि वो सब आता है, और फिर ऊपर चलते चले जाते हैं, वैकुंठ का रास्ता यही है। तो ये पृथ्वी का अंग नहीं है, इसलिए हमको यहां पर प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ती हैं श्वास लेने में। नहीं तो आप देखो, आप सबके घर के बच्चे या आप सब बड़े लोग भी वैकेशंस मनाने के लिए मनाली जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, सारे ये पहाड़ी इलाकों में आप लोग जाते हो, बद्रीनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ी पर लोग जाते हैं और खूब खूब दिन रह के आते हैं, आनंद मस्ती करके आते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां बद्रीनाथ में ज्यादा ऊंचाई नहीं है, बद्रीनाथ की यहां से ज्यादा ऊंचाई लेह लद्दाख आदि क्षेत्रों की है। वहां खूब सहजता से लोग घूमते हैं, खूब आनंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आते ही इतनी व्यवस्थाएं लेके आओ, दवाइयां लेके आओ, ये लेके आओ, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, क्यों? क्योंकि ये मानवों का स्थान है ही नहीं, यक्षराज कुबेर की भूमि है ये कुबेर की नगरी है, वो यहां के राजा हैं। 6 महीने के लिए पांडुकेश्वर उनकी राजधानी होती है और 6 महीने स्वर्ग में राजधानी होती है।
तो ये हम लोगों का स्थान है नहीं, ये देवों का स्थान है, ये आदि देवों का स्थान है, ये महादेव का स्थान है, ये देवादि देव का स्थान है। यहां मानवों की कैसे चल सकती है? तो प्रश्न है कि नारायण को तपस्या की आवश्यकता क्यों है, वो तप में क्यों बैठे हैं? तो भाव उठा कि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म तपस्या से जो जन्म लेता है उसका नाम है फल। हमारे पास कर्म है, हमारे पास फल है, लेकिन बिना तपस्या के हमको फल कैसे मिल जाता है? हम कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म पर तेरा अधिकार है, फल देने का अधिकार मेरा है। क्यों आप फल क्यों दोगे? आप भगवान चाहते तो गीता में ये कहते कर्म पर तेरा अधिकार है, तपस्या पर तेरा अधिकार है, फिर इन दोनों के संयोजन से फल तुझे मिल जाएगा। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में यही क्रम था, राक्षसों को भी यदि कोई फल चाहिए तो राक्षसों को भी तपस्या करनी पड़ती थी। क्या रावण ने नहीं की? क्या कंस ने नहीं की? किसने नहीं की? सबने की। हिरण्यकश्यप ने नहीं की? सबने की है। तो फिर इस कलिकाल में तपस्या कहां चली गई? तो बंधुओं, ये जो बद्रीनाथ है, पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे, इसी के बद्रीनाथ, क्योंकि चारों धामों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ है। यहां पर व्यवस्थाएं चार धामों से ठीक हैं, फिर भी केदारनाथ से भी अच्छी है, यमुनोत्री से भी अच्छी है, यहाँ पे गाड़ियां भी आ जाती हैं हम लोगों के अनुसार, और बाकी भी यहाँ पे ठीक है व्यवस्था, क्योंकि समतल है पूरा एरिया। तो यहां केदारनाथ भगवान विराजते थे। एक दिन संघ चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे। 6 महीने जब हम लोग नहीं आते तब देवताओं की ये भ्रमण स्थली होती है, देवता यहां आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो नारायण एक दिन पधारे और आकर के आदिदेव महादेव से कहने लगे, महादेव, महादेव ने जैसी दर्शन किया प्रणाम किया, जय हो भगवान, मेरी भूमि में आप कैसे पधारे? 3 क्षेत्र है ना, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक। ये जो हिमालय खंड है ना पूरा, ये शिवलोक माना जाता है, शिव जी का स्थान है। इससे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मलोक, और सबसे ऊपर विष्णुलोक। तो शिवलोक है, यहां पर नारायण पधारे पधारे तो महादेव ने प्रार्थना की, भगवान आपका आगमन मेरी नगरी में कैसे? भगवान बोले, नहीं ऐसे ही घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का सौंदर्य। बोले, आओ प्रभु मैं घुमाऊं। बोले, नहीं घूम तो हम सब लिए, अब एक इच्छा है। क्या? थोड़ा सा स्थान यदि आप हमको यहाँ पर दे दो कहीं, तो वहां बैठ कर के हम थोड़ा तप करना चाहते। महादेव जोर से मुस्कुराए, बोले, आपको तपस्या की आवश्यकता? आप साक्षात आदिदेव हो, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से दुनिया बनती बिगड़ती है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है? महादेव ने बात को टाल दिया, बात को समाप्त किया। बोले कि नहीं प्रभु, आपके लिए तपस्या का स्थान नहीं है यहाँ पर। और बातों में मन घुमाने लगे तो फिर लौट करके भगवान आए, बोले, नहीं मुझे यहाँ स्थान चाहिए, मुझे तप करना है। भगवान शिव बोले, देखो आप जिद मत करो, यहां कोई स्थान नहीं है आपके लिए। और रही बात यह है कि मैं देख नहीं सकता आपको तप करते हुए, आपको कष्ट में, आपको अव्यवस्था में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए भगवान आप रहने दो। भगवान बोले, ऐसे नहीं मानोगे तो हम पे दूसरा तरीका है। बोले, आप कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन मैं आपको इस भूमि में कोई तप वप नहीं करने दूंगा, आप प्रेम से विराजो, हम सब यहां व्यवस्थित हैं। महादेव अपना चले गए, ठाकुर जी भी अपने चले गए, भगवान बोले दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसी तप्त कुंड में शिव पार्वती दोनों स्नान करने के लिए जब गए, तो नन्ना सा बालक और वहीं तप्त कुंड के कोने में बैठ करके रुदन कर रहा था। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो भगवान से कहा, हे महादेव, देखो ना, किसी का छोटा बालक यहां रुदन कर रहा है, लगता है कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है।
शंकर जी बोले कोई देवता का बालक नहीं, मुझे तो ये कोई मायावी बालक लगता है। अरे नहीं नहीं प्रभु, आप कैसे निर्दयी हो सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मौसम है, कोई बालक बेचारा रो रहा है, इसको माँ की आवश्यकता है, कोई देवता छोड़ गया, मैं ले लेती हूँ ना। शंकर जी बोले देवी पीछे हट जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी बालक है। पार्वती जी बोली आप तो ऐसी बोलते हो। गई जाकर के बालक को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के अपने स्थान पर आई और स्थान पर उस बालक को लिटा करके, और बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था तो कुछ बेर वहां थे, बदरी फल, बेर को कहते हैं बदरी, वो बदरी फल गेंद जैसे दिखते हैं, तो उस बालक को दिखा करके पार्वती जी थोड़ा आनंद कर रहे, लो खेलो। वो बालक उन बदरी फलों को देख के शांत हो गया और अपने मुख में लेकर के उससे खेलने लगा। पार्वती जी बोली हाँ अब व्यवस्थित है, अब ठीक है, चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है, कहां से आया, कौन क्या, वो सब देखेंगे व्यवस्था। स्नान करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों गए। स्नान करके जैसे ही लौटे तो मुख्य द्वार मंदिर का बंद, भीतर से लॉक, जैसे दोनों ने धक्का दिया तो खुले ही नहीं। पार्वती जी बोली ये क्या हुआ। महादेव कह रहे मैं कह रहा था मायावी बालक है, उसी ने कुछ भीतर से कर दिया है। शंकर जी बोले ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको इसको मैं खोलता हूं। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला क्रोध में भर करके, और उस तेज पुंज से, नेत्र से निकले हुए तेज से जैसे ही मुख्य द्वार खुला तो जिस स्थान पर केदारनाथ विराजते थे उस स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज गए और तपस्या की मुद्रा में विराज गए, तपस्या करने बैठ गए ठाकुर जी। महादेव बोले मैंने कहा था ना मायावी बालक, मायावी बालक नहीं, माया को जो जन्म दे वो बालक था, अब गया हमारा स्थान हमारे हाथ से, अब ये बैठ गए यहां डट करके, अब नहीं उठेंगे यहां से। शिव पार्वती दोनों गए, जाके प्रणाम किया, बोले भगवान क्यों जिद है आपको तपस्या की। तब भगवान कहते हैं, बोले सतयुग में चलेगा, त्रेता में चलेगा, द्वापर में चलेगा तपस्या का जोर, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग पर लोगों पर इतना समय नहीं होगा कि वे आकर के तप करें, वे थोड़ी अव्यवस्थाएं सहन करें, थोड़ा अपने शरीर को अव्यवस्थाएं दिलावें, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। वो अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए आविष्कार करते रहेंगे, नई नई चीजें बना बना के अपने शरीर को सुख देते रहेंगे, तप नहीं करेंगे। तो बोले कलयुग में सृष्टि कैसे चलेगी, व्यक्ति कर्म करेगा तप नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको। शंकर जी बोले तो फिर आपने क्या विचार किया। बोले हमने ये विचार किया कि कलिकाल में जितने भी मानव पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेंगे उन सबके लिए हम बैठ करके यहां तपस्या करेंगे, ताकि वो केवल कर्म करे, फल प्राप्त करे, उसको तप ना करना पड़े, इसलिए मैं उसके नाम से यहां तपस्या करूंगा। आप जितने यहां आ रहे हो ना, और आ करके यहां पर बद्रीनाथ भगवान के यहां आके, अरे बद्रीनाथ भगवान कहां आके बैठे हो, अरे क्या व्यवस्था क्या, अरे सब छोड़ो, जाकर के ठाकुर जी के सामने धन्यवाद कहो कि हे प्रभु आज हम सुख से जी रहे हैं, हम प्रेम से अपने जीवन के भोगों को भोग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं, हम कर्म का अहंकार करते हैं कि हमने कर्म किया, लेकिन उस कर्म को गति देने वाली तपस्या आप हमारे लिए कर रहे हो भगवान, दो आंसू बहा देना, प्रणाम करना, धन्यवाद कहना। हम ऐसे ऋण के ऋणी हैं बद्रीनाथ भगवान के, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तो संकल्प लिया, कोई यजमान मिले ना मिले, कोई आयोजक मिले, इस कथा का कोई आयोजक नहीं है, मैं स्वयं आयोजक हूं। आप सब लोग जो यहां पधारे हैं सब अपनी व्यवस्थाओं का शुल्क देकर के आए हैं, लेकिन इस कथा की पूरी जिम्मेवारी मेरी है, मैं ही यजमान हूं यहां का, और केवल इस संकल्प से यहां कथा करने आता हूं ताकि मैं अपनी कथा के, अपने जीवन के 365 दिन की कथाओं के 7 दिन
बद्रीनाथ भगवान को कथा सुना करके मुझे ऋण से उऋण नहीं होना, मुझे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो ऋण मेरे पर चढ़ा है तपस्या का, मैं उससे उऋण हो जाऊं। नहीं, मेरे नाथ मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं अपनी कथा सुना के 7 दिन का ही सही, चंद घंटों का ही सही, उनको थोड़ा सुख दे दूं। कथा सुन के उनकी थोड़ी तपस्या में, जो सुबह सुबह अभिषेक करने जाना, जैसे ही बद्रीनाथ भगवान पर जल डाला जाता है, एक मानो जैसे कितना धुआं प्रकट होता है ठाकुर जी के श्री अंग से, ऐसा ऐसा तपता शरीर है ठाकुर जी का, घी का लेपन चंदन का लेपन सब पिघल जाता है, ऐसा अंग है सुबद्रीनाथ भगवान का। तो इस कथा के माध्यम से केवल इतना भाव है, बद्रीनाथ भगवान मेरी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ क्षण का ही सही आपको थोड़ा सुख मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद मिल जाए, हम इसलिए पधारे। ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान इस भूमि में विराजे हैं, बार बार इस भूमि को प्रणाम करो और अपनी तरफ से ठाकुर जी को कुछ कीर्तन संकीर्तन श्लोक मंदिर प्रांगण में बैठ के जरूर सुना के आया करो, ठाकुर जी को थोड़ा सुख मिले, थोड़ा आराम मिले इस भावना से। तो हम आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, तो बंधुओं ये तपस्थली तो है ही है ठाकुर जी की, लेकिन जब भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर तप करने के लिए विराजे तो श्रीमद् भागवत के 11th-12th स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है, वो सब कल से मैं नित्य उन्हीं मुख्य रूप से, इस कथा का कोई विषय नहीं है, ये जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसी कथा का क्रम रहेगा। भाव तो ये भी था कि नवयोगेश्वर संवाद रहे, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद रहे, एक भाव है कि नरनारायण संवाद रहे, बद्रीनाथ भगवान कितने सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं भागवत में, उन सब का वर्णन, तो वो सब क्रम कल से यहाँ रहेंगे। आज महात्म का हम लोग नमन वंदन कर लें, उसके बाद फिर कल से, अच्छा कल से थोड़ा सुन लीजिए, 3 बजे से कथा रहेगी 6:30 बजे तक, और 6:30 बजे यहाँ पर्दा लगेगा, व्यासपीठ बगल में व्यवस्थित होगी और पीछे कपाट खुल के श्री गिरधर लाल जी विराजेंगे, उनका दर्शन होगा, कुछ पदों का गान, कुछ ठाकुर जी, देखो यहाँ ज़्यादा व्यवस्थाएं तो हो नहीं सकती, आप लोगों को यदि कुछ लगे कि आप कर सकते हो तो वो कर देना अपनी तरफ से, हमसे जो हो पाएगा, हम लाल जी का सब लाए हैं सामान, तो यहाँ ठाकुर जी का सुंदर पद गा करके उत्सव किया करेंगे और उन पदों की फिर व्याख्या सुना करेंगे, आधा घंटा करीब उत्सव रहा करेगा, फिर ठाकुर जी की मंगल आरती करके पालकी में कीर्तन नाचते गाते हुए लाल जी को उनके कक्ष तक छोड़ के आया करेंगे। ये क्रम कल से यहाँ रहेगा 3 बजे से 7 बजे तक। कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब पे नहीं हो रहा अभी, ये सब 27-28 तारीख यहाँ कथा विराम होने के बाद होगा, आस्था पर 27 से है और यूट्यूब पे भगवान जाने कब से होगा, जब हो जाए, जब ठाकुर जी की इच्छा हो, तो अभी कहीं भी इसका प्रसारण नहीं हो रहा, आप लोग ही केवल इस कथा को सुन रहे हैं। बाकी और भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में भी आप सबको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ विप्र देवता पधारे हैं, जिन लोगों ने अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त पाठ बैठाए, उनका वो लोग पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त एक विशिष्ट श्राद्ध होता है, जिसको ब्रह्म कपाल श्राद्ध कहते हैं, उसकी बड़ी मान्यता है यहाँ करने से। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बहुत रीजन है, लेकिन एक ये भी है कि जैसे श्राद्ध पक्ष जब आता है, यदि उस समय अपने पितरों का स्मरण करके आप ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध ना कर पाओ और आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल श्राद्ध अपने पितरों का कर दो, तो श्राद्ध पक्ष में न भी कर पाओ, भूल जाओ, तो उसका दोष नहीं होता। वैसे तो देखो पितृ कभी दोष हमको देते नहीं है, लेकिन ये जो पितृ दोष शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है सुनो, ये संसारिक दुखालय है, यहां पर हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब हमारे पितृ हमें छोड़ के चले जाते हैं, ठाकुर जी के पास विराजते हैं,
तो वे हमारी थोड़ी सी ठाकुर जी से गुंजा प्रार्थना करते रहते हैं, ये हमारा नाती है, ये हमारा परिवार का ये बालक है, ये इस पर भगवान थोड़ी कृपा करना। मतलब श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, हम अपने पितरों में श्रद्धा रखते हैं तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, अरे देखो अब भी मुझे याद करता है। तो पितर क्या करते हैं, छाता लगा के खड़े रहते हैं, जितनी भी आपत्ति विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली होती हैं वो 100% में से केवल और केवल 10-25% रह जाती है, बाकी की जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां हैं सबको पितृ नष्ट कर देते, आने नहीं देते आपके ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए तर्पण आदि नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो पितरों को देवता कहते हैं। ले तेरे परिवार का आदमी तुझे याद करता नहीं, तू पूरे दिन कहता है कि उसके ऊपर कष्ट मत देना, उसको ये मत देना। तो भगवान वो पितर कहता है क्या करूं, बोले इसको छोड़, हाँ इसके मन से निकाल इसको, तू हमारे संगी रहना शुरू कर। तो पितर क्या करते हैं, जो छाता लेके बेचारे हमारे ऊपर संकटों को रोकते हैं, पर कहते हैं जब इसको मेरी याद ही नहीं है, इसको मेरे से कोई काम ही नहीं, तो फिर मैं भी क्यों रक्षा करूं। पितर चले जाते हैं, फिर जब हम पे आपत्ति आती फिर हम कहते अरे पितृ दोष हो गया, पितृ नाराज हो गए। पितृ नाराज नहीं होते, वो चले जाते। ब्रह्म कपाल श्राद्ध करने से पितृ दोष हो, पितरों का कोई भूल चूक हमसे हो गई हो, आदि आदि और भी कई सारे उसके लक्षण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म कपाल श्राद्ध होते ही हमारे पितृ यथावत, हम तो विश्वास मानते हैं कि हमारे पितृ स्वर्ग में हैं या वैकुंठ में जहाँ भी हैं, लेकिन असलियत किसको पता। लेकिन ब्रह्म कपाल श्राद्ध एक मोहर है कि हाँ तुम्हारे पितर गए अब वैकुंठ, अब वो वैकुंठ में ही विराजेंगे। इसलिए उस श्राद्ध का भी क्रम आप में से जो चाहें ब्राह्मणों को बोल देना, तो ये लोग आपको समय बता के उसके अनुसार जो व्यवस्था होगी गंगा किनारे जाके वो श्राद्ध होगा। मैं भी एक दिन, वैसे तो पिताजी माताजी उन वही पिताजी ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा लेके जो जैसा ब्राह्मण देवता बताएंगे यदि संभव होगा तो पितरों का स्मरण तो हम कर ही लेंगे। तो ये सब भी यहाँ होता है, संत भोज ब्राह्मण भोज आदि की भी व्यवस्था यहाँ पर कुछ रखने का भाव तो था कि नित्य सुबह कुछ वितरित हो, खिचड़ी वितरण हो आदि आदि, जो यहाँ संत आदि वितरण करते हैं उसका भी भाव है, जिसकी इच्छा हो ब्राह्मणों से सब बात कर लें। तो ऐसी ऐसी यहाँ छोटी छोटी सब व्यवस्थाएं, और उसमें आप सब लोग जैसे अपना करना चाहो करो। रात्रि में उत्सव होंगे, उत्सव की कुछ व्यवस्था हो, यहाँ कुछ सजावट आप कर सको, कुछ लाके कुछ नया कुछ कर सको, वो भी अपनी तरफ से आप सब लोग कर सकते। तो ये सब भाव हैं। आइए आज महात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करें, और फिर कल से दिव्य दिव्य कुछ प्रसंगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, बंधुओं मेरे साथ इस भूमि पर जरूर गा लो, भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है, यह श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। सब लोग मेरे पीछे बोलना, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। महात्मा का मतलब आप जानते हो, महत्व, कथा का महत्व क्या है। वैसे तो देखो महत्व जानने की इच्छा वो लोग रखते हैं जिनको किसी वस्तु पर अविश्वास हो। हमें थोड़ा सा अविश्वास है, इसको सुनने से क्या होगा जरा बता दीजिए, ये है महत्व। लेकिन हम महत्व इसलिए भी श्रवण कर रहे हैं ताकि भागवत जी की उज्ज्वलता,
भागवत जी की भागवत जी का जो प्रकाश है, भागवत जी का जो बल है, वो हम उससे और अवगत हो जाएं, हम उसे और जान लें, इसलिए हम श्रवण करेंगे महात्मा। हम लोग इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि हमारा विश्वास है, हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम बल को सुनकर के और आनंदित हो जाते हैं, भागवत जी का ऐसा बल है। तो भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया, भगवान कौन है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। सर्वप्रथम ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए प्राणी मात्र के भीतर भगवान विराजमान हैं। ये बात गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं, लेकिन ये घटित कैसे होती है, ये हमको पता कैसे चले ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं। तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य, और हम लोगों की स्थिति कैसी, हम झूठ बोल सकते हैं दूसरे से लेकिन सुन नहीं सकते, हम दूसरे को झूठ कह सकते हैं लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है हमसे झूठ सुना नहीं जाता, और पता चल जाए कि इसने मुझसे झूठ बोला तो महाराज अपने क्रोध की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। क्यों, इसने मुझसे झूठ बोला कैसे, तुम्हारे भीतर कौन है जो उसको स्वीकार नहीं करता है? सत्य स्वरूप नारायण है जो उस असत्य को कभी स्वीकार नहीं करता। जैसे रॉन्ग पासवर्ड आप एटीएम में डालो, फोन में डालो, लैपटॉप में डालो, वो मना कर देता है, इनकरेक्ट पासवर्ड, और बार बार यदि डालते जाओगे तो वो बंद और हो जाता है कुछ देर के लिए। ऐसे ही मानव के जो ये कान है ना, यहाँ से शब्द रूपी पासवर्ड अंदर जाते हैं, यदि वो सत्य हो तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो असत्य होते हैं तो हमारे आँख नाक कान सब लाल पड़ जाते हैं। क्यों, तूने असत्य कैसे बोल दिया मुझसे, क्यों नहीं स्वीकार कर सकते सत्य, क्योंकि भीतर नारायण बैठे, उनका प्रथम स्वरूप है सत्य। कलयुग का प्रभाव है कि हम बोलते झूठ हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को भी सत्य। चोरी करता है चोर, दो तीन घरों का सामान सब चार पांच चोर इकट्ठा कर लेते हैं, और सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद जब एकांत में अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ भाई अब एक काम करो, क्या न्याय से सत्यता से जितना जिसका होना चाहिए उतना बांट दो, हाँ तुमने कमाई बड़ी न्याय से की ना। जैसे मतलब कहने का अभिप्राय, एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्य चाहता है। हम सत्य से कभी दूर रह ही नहीं सकते, सत्य हमारा जीवन है, सत्य हमारा पोषक है, सत्य हमारा सर्वस्व है, और वही सत्य नारायण का प्रथम स्वरूप है। हम जब कभी भी सत्य की इच्छा प्रकट करते हैं ना, हमें सत्य चाहिए, वो सत्य की इच्छा हमारा हमारे भीतर बैठे हुए नारायण ही प्रकट करते हैं, वो हमारे भीतर बैठे हुए भगवान ही प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है, सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप क्या है, चैतन्य। भगवान को कभी जड़ नहीं मानना चाहिए, ठाकुर जी जड़ नहीं है। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी हमको अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ और बढ़िया क्या करना चाहिए हमें बताओ, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, भैया अपने ठाकुर जी को जड़ मानना छोड़ दो, चैतन्य मानना शुरू कर दो, अपने आप सेवा होगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप उनको मूर्ति समझोगे, जड़ समझोगे तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप उनको चैतन्य समझोगे, अब जैसे कि पुत्र जन्म लेता है घर में तो माँ जो होती है वो किसी से पूछती थोड़ी है इसकी सेवा कैसे करूं, पुत्र होने के बाद में माँ अपने आप उसका लालन पालन करती है क्योंकि पुत्र के प्रति चैतन्य भाव है, अरे इसको कहीं सर्दी ना लग जाए, अरे कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, अरे भूख लगी होगी तो भोजन करा दे, अरे इसलिए रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, ये है वो है, वो सब अपने आप बनाती चली जाती है। क्यों, क्योंकि अपने पुत्र के प्रति चैतन्यता का भाव है। ऐसी ही चैतन्यता ठाकुर जी के प्रति कर लो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप होगी।
पिछली बद्रीनाथ की कथा का भाव बताऊं, ठाकुर जी तब हमारे इतने बढ़िया श्रृंगार नहीं होते थे, ऐसे ठाकुर जी कुछ भी पहन लेते थे। तो एक दिन ठाकुर जी को ऐसी पालकी में लेके जा रहे थे, तो उस दिन भयंकर सर्दी थी। यहाँ सर्दी का मतलब बारिश पड़ती सर्दी हो जाती है, तो सर्दी थी। तो लाल जी को बाहर लेके आए, तो मेरे मन में आ तो रहा था यार बहुत सर्दी पड़ रही है, बर्फ नीचे तक आ गई थी, मैंने लाल जी को सर्दी नहीं लग जाए, कोई सॉल वॉल भी नहीं थी उनके चरणों पर। मेरे मन में उस समय क्षण भर के लिए आ गया, कोई बात नहीं ठाकुर जी तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, सर्दी तो ये सहन करते ही हैं, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। और ये भाव धारण करके ठाकुर जी को पालकी में सर्दी में ही ले आया। उसी रात्रि को मुझे जुखाम हो गया, मेरा गला बैठ गया। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा मोए तू चैतन्य ना समझे, हैं मोए जड़ समझे, मोए सर्दी ना लगे, मोए गर्मी ना लगे, मेरे प्रति ऐसो भाव रखे। तो ठाकुर जी ने मेरो ही गलो ऐसो कर दियो, ले मतलब ठाकुर जी ऐसा नहीं दंड के रूप में मुझे गला खराब, ठाकुर जी ने मानो बोले होंगे सर्दी लग के मेरो ये हाल भयो, ले ये तेरो कर दू मैं, तू भी अनुभव कर मुंह पे कहा गुजरी होगी। बस इतना करना है, अपने घर के ठाकुर जी को, अपने लाल जी को चैतन्य रूप समझो। उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। हमारे गुजरात से हमारे परिवार के ही सदस्य पधारे हैं, आप जब पधार रहे थे तो मैंने इनसे खूब निवेदन किया, मैंने कि हमारे लाल जी के लिए कुछ ऐसी सामग्री बना के लाना कि शीतकाल में ठाकुर जी जब पावे तो उनको गर्मी का अनुभव हो। ऐसे बढ़िया सुंदर लड्डू सिद्ध करके लाए हैं, वो नेक भी अगर हमने पा लियो ना तो पसीना आ जाएंगे, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए मंगवाए। क्यों? ये सब करने नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं विचार, अपने आप होते हैं भाव। नागपुर से ऋषिकेश आ रहा था, तो ऐसा क्रम था सुबह 9 से 12 कथा, 1:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली, दिल्ली से नागपुर, वो सॉरी क्या देहरादून, देहरादून से ऋषिकेश। अब मैं ठाकुर जी से कहूँ, ठाकुर जी आज तो भोग रात में मिलेगा आपको, पूरे दिन भूखे रहोगे, क्या करोगे, कैसे रहोगे? तो हम क्या करते हैं, ठाकुर जी की जल झारी उसको खाली करके यमुना जी का आह्वान कर लेते, हे यमुना जी जब जब लाला को प्यास लगे ना या झारी में आ जाइयो, लाला को प्यास बुझा दियो। और बंटा जी को भाव रखें, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे तब तब या में कछु धर दियो, लाला खा लेगो रस्ता में। मैंने की और ठाकुर जी अब निवेदन कर रहे हैं, बोले मैं तो खा लूंगा मेरी सखा मंडली, तो हम 2-3 हजार रुपये ठाकुर जी के नीचे और धर दें, रास्ता में खूब सारी दुकान पड़ेंगी कहीं बढ़िया लगे खरीद लियो, हम बाद में मोसो मत कही कि तेने मुको खवाए हो नहीं। ठाकुर जी को 2-2.5 हजार 3-4 हजार रुपये दे के रखता हूँ मैं, लाल जी यदि भोग वोग देवे में मोसो कोई अपराध है जाए तो कोई गोपी ते दही खरीद के खा लियो, कहीं कोई गोपी अपने भाव में रहते हैं, ठाकुर जी सदा अपनी लीला में रहते हैं। ठाकुर जी भी गोपी के पास जाए, देख 500 की नोट दी है मेरे इंद्रेश ने, ला चल मक्खन खवा मुकू भूख लगी है। ये सब भाव की बात है, ऐसे भाव हो ना तो सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा होती है। और वो कब होगा, जब ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप, आद्य शंकराचार्य शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद। वैसे ये निर्वाण अष्टकम है, और श्री आद्य शंकराचार्य तो नहीं लेकिन उनके शिष्य परंपरा के किसी शिष्य ने इसका लेखन करके भगवान शिव के सामने गाया, उसकी एक पंक्ति मुझे इतनी प्रिय है, इतनी भा
हाथी है, बहुत सुंदर। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम ने विकल निराकार रूपो विभुद्वच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न संसंगतं न मुक्तेर्न माया चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनो बुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्राण नेत्रं न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं कुछ भी नहीं हूं। निर्वाण अष्टकम का पूरा अर्थ यही है बस। आप मुझे जिस रूप में देख रहे हो मैं वो नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मेरे कान सुनते नहीं, मेरी नाक सूंघती नहीं, मेरी आंख देखती नहीं, मेरा सर्वस्व कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। मेरी जो भी क्रिया है वो शिव की है। निर्वाणाष्टकम तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद की परिभाषा यदि करें तो सुख में और आनंद में एक भेद है। सुख का मतलब जो बहुत व्यवस्थाओं से आपको मिलता है वो सुख है, और आनंद जो बिन व्यवस्था में भी आपको प्रसन्न रखता है वो आनंद है। हम कथा करने नई नई जगह जाते हैं, अब तो खैर ठीक है, पिताजी महाराज की आज्ञा और परंपरा का निर्वहन ठीक से हो सके उसके लिए पहले से किसी को भेज देते हैं, देख लो व्यवस्था ठीक है कि नहीं। कई बार नहीं भी भेजते तो जाके अनुभव करना पड़ता है कई बार कैसी कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था मिलती है हमको उसमें निर्वहन करना पड़ता है। यदि मैं जाके कहूँ अरे नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमारे लिए तो ऐसा बनाओ, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो वो सुख देगा जो मैं चाहता हूँ वैसी व्यवस्था मुझे मिले, वो मेरे शरीर को प्रसन्न करेगी, मतलब वो सुख है। किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है तो रसगुल्ला का सेवन करने से सुख प्राप्त होता है, लेकिन हम कई बार कहते हैं आप रसगुल्ला छोड़ो हम आपको संदेश खिलाते हैं। संदेश कैसा होगा? खा के तो देखो खाया आपने, अरे इसमें तो आनंद आ गया। मतलब आप जिन व्यवस्थाओं का निर्माण करते हो और फिर स्वयं को उसमें ले जाकर के अच्छा अनुभव करते हो उसको सुख कहते हैं, लेकिन जो आपकी आपकी सोच से जो परे है वैसी व्यवस्था मिल जाए और उसमें आप प्रसन्न हो जाओ उसको आनंद कहते हैं। बद्रीनाथ है, यहां पर अधिक व्यवस्थाएं नहीं है लेकिन फिर भी यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है ना, आपके आपके लाल गाल पड़ रहे हैं, हो रहे हैं, आप खूब आनंद में हो, क्यों? अव्यवस्थाओं में भी सुखी हो तो वो सुख नहीं कहलाएगा, वो आनंद कहलाएगा। जहां पर संसार की भौतिक वस्तुएं आपको नहीं चाहिए खुद को खुश करने के लिए,
आज हमको खुद को खुश करने के लिए कितनी चीजें चाहिए। कई लोग हमारे संगत में भी ऐसे ऐसे चलते हैं, दुनिया भर की सामग्री अपने बैग में भर के लेके चलते हैं। क्यों? मां नहीं मिली तो उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। फ्लाइट में अलाव है 17 किलो, लेकिन उनके बैग में सामान होता 40 किलो का। हर केजी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है महाराज। क्यों नहीं, उनके बिना तो रह ही नहीं सकते ना, उनके बिना कैसे निर्वहन होगा। तो समझो वो सुख में है, लेकिन जो जैसी स्थिति मिल जाए, जैसी परिस्थिति मिल जाए, जैसी व्यवस्था मिल जाए, उसमें भी तान दुपट्टा आनंद करे, उसमें भी भगवत स्मरण करे, उसमें भी प्रसन्न रहे, उसमें भी खूब मौज करे, वो आनंद में है। वही आनंद है, यही अंतर है सुख में और आनंद में। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप नहीं है। संसार की भौतिक वस्तु जो आपको प्रसन्न कर रही है, उससे जो आप खुश हो रहे हो और सोच रहे हो ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। नीचे बैठे हो, बैठने में दिक्कत है, पैर बैठ के मोड़ के बैठा नहीं जाता। अच्छा, और एक और निवेदन, जितने भी नीचे बैठने योग्य हैं लेकिन जबरदस्ती हत्या के कुर्सियों पर बैठे हैं, कल से नीचे ही बैठना। जिनको बेचारों को थोड़ी तकलीफ है उनको कुर्सी दो, लेकिन जो ऊपर बैठ नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रेम से बैठ सकते हो, तो अरे थोड़ा तप कर लो, नीचे बैठो प्रेम से, सुख आसन में बैठ करके मेरुदंड सीधा करके फिर कथा सुनो। दर्द होगा, घुटने थोड़े से जाम हो जाएंगे, हो सकता है रात में आपको थोड़ी मसाज भी करवानी पड़े, लेकिन इतनी देर कथा सुनने में एक आसन पर बैठ करके भी आपके मुखमंडल पर यदि प्रसन्नता है ना, तो वो अव्यवस्था में भी जो प्रसन्नता है उसी को कहते हैं आनंद। वो भगवान का स्वरूप है। भगवान के कितने स्वरूप? सत चित आनंद, आनंद स्वरूप। भगवान के कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन करना, फिर उसका संहार कर देना, ये 3 ठाकुर जी के काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो समन्वय करते हैं, नाश करते हैं। मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी केवल और केवल अपने शरणागतों को दुख से जूझने का बल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप ठाकुर जी की शरण में चले जाओ और ठाकुर जी आपके दुख दूर कर दें, दुख दूर नहीं होंगे, दुख तो आएंगे। ये तो ठीक है, देखो दुख क्या है, व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं संसार की। स्कूल में दाखिला करा दिया बच्चे का, अब बच्चा अपने माता पिता से आके कहे कि मेरी मैडम से कह दो मुझे होमवर्क ना दिया करें, मेरी मैम से कह दो कि मेरा टेस्ट ना लिया करें, बस पढ़ा दें, टेस्ट ना लें, एग्जाम ना लें, ऐसा कैसे होगा? इस संसार रूपी विद्यालय में दाखिला हुआ है मेरा और आप सबका। यहां पर हर परिस्थिति हमें सिखाती है, पढ़ाती है, और फिर दुख के रूप में परीक्षा आती है। अब हम भगवान से कह रहे हैं प्रभु दुख दूर करो, भगवान कहते हैं तेरा कहने का सीधा अभिप्राय यह है कि परीक्षा मत लो, मुझे बिना परीक्षा के पास कर दो, ऐसा कैसे हो पाएगा भाई? ये संसार एक विद्यालय है, यहां तुम सब आए हो, अपने कर्मों से, अपनी गति से, हर इंसान से कुछ सीखते हो। जब सामने से विपत्ति आती है उसको परीक्षा का पेपर समझ करके हल कर दिया करो, उसके लिए प्रार्थना करने मत जाओ। और रही बात तो ट्यूशन के रूप में ये बीच बीच में कथाएं होती हैं 7 दिन की, ये सब आपका ट्यूशन है। हाँ, ये ट्यूशन ही तो पढ़ने आए हो आप, हम ट्यूटर के रूप में बैठे हैं ऊपर, और एक संग देखो क्लास लगा रहे हैं, कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये भागवत रामायण ये सब ग्रंथ क्या है? ये सब गाइड हैं। एग्जाम के कौन कौन से परिस्थितियां आ सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो गाइड में लिखे रहते हैं। बोले इनको तैयार कर लो, इनमें से कोई एक आएगा,
ये भागवत रामायण गीता आदि जितने भी ग्रंथ हैं जिनका प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ, ये सब गाइड बना दी श्री वेदव्यास जी महाराज ने। क्या बोले, जीवन रूपी परीक्षा को पार करने के लिए इनका आश्रय लेते रहो, इनमें से 10 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे उसमें से एक तो आएगा ही आएगा, हल कर देना। कितना व्यवस्थित है। अभी श्री धर्माधिकारी जी ने एकादश स्कंद का सबसे बढ़िया श्लोक बोला कि नदेहमात्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्मतेरितम पुमान भवाभ्यं नतरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में आत्महत्या, इस शब्द का कोई अर्थ होता है? इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। आत्महत्या का एक अर्थ होता है खुद से खुद को मार देना, और दूसरा अर्थ होता है आत्मा की हत्या होना। लेकिन विशिष्ट रूप से भागवत में आत्महत्या का जो शब्द का अर्थ है ना, वो है आत्मा की हत्या। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, भगवान गीता में कहते हैं आत्मा कभी जलती नहीं, कभी भीगती नहीं, कभी कटती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती नहीं, वो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं होती है। कैसे होती है? उसी का श्लोक बोल के गए वे, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं मैंने मानव को अति सुलभ एक शरीर प्रदान किया जो बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब लोगों को रोज सुबह उठ करके ना अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अपने आप का सौभाग्यशाली मानना चाहिए। क्यों? हमको मानव बनाया भगवान ने। किसी और जाति में भेज देते, किसी और श्रेणी में भेज देते तो क्या स्थिति होती हमारी। लेकिन आज हम मानव बन के बैठे, जरूर ठाकुर जी का थोड़ा ही सही हमसे प्रेम होगा तभी हमको मानव बनाया। भगवान कहते मैंने आपको मानव शरीर दिया, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और इस शरीर को सही स्थान बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला मैंने आपको गुरु प्रदान किया। कौन गुरु प्रदान किया? श्री वेदव्यास हुए, श्री तुलसीदास हुए, श्री सूरदास हुए, जिनकी लिखी हुई बातों को हम लोग सुनकर के अनुभव करके अपने जीवन में कई सारी सुलभताएं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मानव शरीर दिया, सदमार्ग दिखाने वाले गुरु दिए, और मयानुकूलेन कुछ कुछ कृपा मैंने अपनी अनुकूलताओं के रूप में उसको प्रदान की। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि वो मरने के बाद मेरा ना हो पाया या जीते जी मुझे प्रकट ना कर पाया, तो उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को घोट करके मार दिया। ये आत्महत्या है। वेदव्यास जी ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, एक नहीं अनेक ग्रंथ लिखे, जिससे तुम्हारा समाधान हो जाए उसको अपना लो जीवन में, लेकिन कष्ट में मत रहो, दुखी मत रहो, अप्रसन्न मत रहो, हताश मत रहो, उदास मत रहो, इनका आश्रय लेके रहो, सदा प्रसन्न रहो। सब कुछ प्रदान किया। तो कहने का अभिप्राय, संसार में कष्ट तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन हरि शरणागति हमको उस दुख से कष्ट से जूझने का बल प्रदान करती है, हमें बल मिलता है। कैसे उससे जूझना है? देखो, दुख को फेस करना आ जाए तो फिर दुख बड़ा नहीं है। हम उस दुख को बहुत बड़ा बवंडर मान करके उससे भागते हैं, क्योंकि हम फेस करना नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि इससे जूझना कैसे, इससे लड़ना कैसे है। वो सब भागवत सिखाती है, वही सब यहां बताया जाता है। तो तापत त्रय विनाशाय, भगवान तापत त्रय तीन प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। ताप होते ही तीन प्रकार के, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आधिदैविक ताप कौन सा है? बारिश पड़ गई महाराज,
सर्दी हो गई बद्रीनाथ में, आपको जुखाम हो गया, ये आदि दैविक ताप है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये देवताओं के द्वारा मौसम बदलता है और हमारे शरीर को उसका इफेक्ट होता है, आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप, किसी चीज की चिंता में आप रात भर चिंता में रहते हो, ना खाते हो ना पीते हो, उसकी चिंता लगी रहती है, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, ये हो गया आध्यात्मिक ताप, जो आप अपने आप से ताप ले लेते हो। आदि भौतिक ताप, आपने मुझको मारा या आपने मुझको कुछ कह दिया उससे मुझे बुरा लग गया, ये आदि भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप हैं। भगवान कहते हैं मेरे शरणागत के मैं तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देता हूँ। यहाँ लिखा है दूर करने का मतलब क्या है, ताप तो आएगा लेकिन अपना अनुभव नहीं दिखाएगा, अपना अनुभव मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, ताप तो आएगा। तापत्रय विनाशाय, तो ऐसे तीन रूप जिनके, तीन गुण जिनके, तीन प्रकार के तापों को जो दूर करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे भागवत में श्री सुखदेव जी को, अच्छा सुखदेव जी की भी प्रादुर्भाव स्थली बद्रीनाथ, यही तो श्री वेदव्यास जी के यहां उनका प्रादुर्भाव हुआ, कितनों की जन्म स्थली है, कितनों की जननी है बद्रीनाथ। सुखदेव जी को हम प्रणाम करें। यम प्रब्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्मि। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए और वन में जाकर के पिता के कई बार बुलाने पर भी जो लौट करके नहीं आए, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अभी श्री राधा चरितामृत हुआ था नागपुर में, तो वहां भी सुखदेव जी का स्मरण हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि श्री राधा रानी के सुख पक्षी हैं। भागवत का जो वक्ता है वो श्री किशोरी जी की कृपा से कथा कहता है। यदि राधा रानी की कृपा ना हो तो वक्ता बोलने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। श्याम सुंदर के गुणानुवाद किशोरी जी की इच्छा और कृपा से कहने को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी गोलोक धाम के एक सुख पक्षी हैं और वहां विराज करके नित्य किशोरी जी के मुख से सुने हुए ठाकुर जी के नामों का उच्चारण करते हैं। कैसे नाम उच्चारण करते हैं? कि गोपी कदाचन मणि पिंजरस्थम सुकम बचो वाचय तुम प्रवर्ता आनंद कंद ब्रज चंद्र कृष्णम गोविंद नामो धर्माधवेति। किशोरी जी कहती हैं, बोलो तोता कृष्ण, तो बोलता है कृष्ण, बोलो गोविंद तो कहता है गोविंद, बोलो गोपाल तो कहता है गोपाल। किशोरी जी के द्वारा पढ़ाए गए समस्त नामों का उच्चारण करता है वो तोता, क्योंकि रट लेता है ना। लेकिन एक दिन उसके सामने श्याम सुंदर आते हैं, सब प्रणाम करते हैं लेकिन वो तोता प्रणाम नहीं करता। श्याम सुंदर के जाने के बाद किशोरी जी तोते से पूछती हैं, अरे सुख मैंने तुझे इनका नाम याद कराया था, वो आज आए थे, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख कहता है मैं नाम जानता हूं मैं रूप नहीं जानता, मैं नाम जानता हूं मैं लीला नहीं जानता। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं थी यार। कई लोग बड़े ओवर एक्साइटेड रहते हैं, यूं ही बैठे रहे, कोई बात नहीं, बात तो सुनो पूरी। सुख ने कहा मैं नाम जानता हूं लेकिन लीला नहीं जानता, मैं नाम जानता हूं लेकिन नामी को नहीं जानता।
किशोरी जी बोली, अच्छा मतलब कीर्तन जानता है लेकिन उसकी कथा नहीं जानता, जिसका तू कीर्तन कर रहा उसको नहीं पहचानता। यदि इसके बिना, उनको जाने बिना कीर्तन करेगा तो उससे उद्धार कैसे होगा। इसलिए तुम जाओ, यदि तुम्हें मेरे शरण में रहना है, मेरे पास रहना है, मेरी शरणागति तुमको यदि प्रिय है तो फिर जाओ, भूलोक पर जाओ, जाकर के उनको समझ के आओ, जान के आओ कौन है कृष्ण, कौन है गोपाल, कौन है गोविंद। उनको जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं अपना आश्रय प्रदान नहीं करूंगी। तब शुक्राचार्य जी महाराज इन्हीं हिमालय की पर्वत पर आते हैं, जहां पर भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, और अमर कथा सुनाते हुए एक संकेत कर देते हैं, देवी मैं नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, तुम केवल ओम शब्द का उच्चारण करती रहना, यदि तुमने ओम शब्द का उच्चारण बंद किया तो कथा विश्राम हो जाएगी। पार्वती जी कथा सुन रही थी और जिस शिला पर बैठ करके महादेव कथा कह रहे थे उसी के पीछे शुकाचार्य जी बैठे थे। अब बोले मैं आगे जाऊं, जाके प्रणाम करके अपना परिचय दूं, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इससे बढ़िया यहीं पर शांति से कोने में बैठ के कान लगा के कथा सुनता हूं। शंकर जी कथा सुना रहे थे, रास का जैसे प्रसंग आया कथा के मध्य में तो पार्वती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं भी वृंदावन में रास कर रही हूँ, कन्हैया मेरी भुजा पकड़ करके मेरे संग भी रास विहार कर रहे हैं। ऐसी भावावेश में प्रवेश कर गई श्री पार्वती जी कि ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया, भूल गए। और जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण बंद हुआ तो पीछे बैठ करके उस रस का पान कर रहे किशोरी जी की पुनः शरणागति प्राप्त हो इस इच्छा से बैठे हुए श्री सुखदेव जी जब सुनते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया, अरे कहीं कथा रुक ना जाए, अरे कहीं महादेव बोलना बंद ना कर दें, एक क्षण का भी विक्षेप मुझसे सहन नहीं होगा, विरह सहन नहीं होगा, तो पार्वती जी के स्वर में सुखदेव जी ने ओम कहना शुरू कर दिया। शंकर जी की अनवरत कथा चलती रही। 7 दिन बाद जब पूर्ण हुई, जय जयकार हुआ, पार्वती के नेत्र खुले, महाराज क्या महाराज हुआ वृंदावन की भूमि पर। उस महाराज में खूब आनंद आया। अब बताइए ना महाराज के बाद क्या हुआ। शंकर जी बोले यहां कथा विश्राम होने को आई है और आप कह रही हो महाराज के बाद क्या हुआ, इतने दिन से कथा चल रही है, कौन सुन रहा था आपको। मैंने कहा था ओम शब्द का उच्चारण करना, आप तो कर नहीं रही थी, तो फिर कौन कर रहा था। इस ब्रह्म विद्या की चोरी किसने की है। त्रिशूल लेकर के ढूंढने के लिए गए, पीछे से नन्ना सा सुख पक्षी आया, भगवान क्षमा करना मुझसे ही अपराध हुआ। शंकर जी बोले अपराध नहीं, कौन है तू बता। अब तो त्रिशूल लेकर के दौड़े सुख पक्षी, उड़ता 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 अपना परिचय कहां दे पाता शंकर जी के क्रोध के आगे। उड़ता हुआ आया हिमालय की कंदराओं में, भ्रमण करता 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 यही माणा क्षेत्र में जहां पर व्यास गुफा है, श्री व्यास जी का आश्रम है, वहां पर उनकी पत्नी विट्टिका कहते हैं या तो जल पी रही थी या उबासी ले रही थी मुख खोल करके, तभी ऊपर से उड़ते आए सुखदेव जी ने देखा, बोले ये बढ़िया गुफा है, यहीं पर प्रवेश कर जाओ। और श्री विट्टिका जी के मुख से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गए नन्हे से सुखदेव जी, और भीतर जाकर के शंकर जी के द्वारा सुनाई गई समस्त कथा का मनन चिंतन करने लगे। बंधुओं कितने दिन मनन किया सुखदेव जी ने, हम लोग कितना मनन करते हैं कथा का, 4 घंटा कथा सुन के जाते हैं, पूरी सब्जी खा के सो जाते हैं, मतलब कथा अभी पची नहीं है उससे ऊपर और कुछ खा लेते हो आप। लेकिन सुखदेव जी ने इस कथा को पचाया और रमाया अपने रोम रोम। हम भोजन क्यों पचाते हैं, ताकि उसका तत्व हमारे रोम रोम में आ जाए, उसका तत्व हमारे रक्त में प्रवाह हो जाए, हमारे एक एक अंग का स्पर्श कर ले उसका तत्व जो हमने खाया है। उसके लिए हम वॉक करते हैं, कई लोग गोलियां खाते हैं कि वो पचे, ताकि उसका तत्व बाहर आवे। हमने कथा सुनी, कथा सुनकर के भीतर गई, हम उसको समय देते हैं अपने जीवन में उसको रमने का, नहीं देते। इसलिए श्रीमद् भागवत में आ गया कि तत्श्रुणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। कथा सुनने के बाद
सबसे मिलो मत, थोड़ी देर मौन हो जाओ, तुरंत जाओ यहां से और अपने कक्ष में जाकर के उस कथा के अभी नए नए रस को जो अभी अभी प्राप्त किया है उसको तुरंत मनन करने लग जाओ। पूरी 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक का एक पूरा रिवीजन कर डालो, क्या क्या सुना मैंने 7 बजे तक, ये ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटे में पूरी कथा रम जाएगी। जब रोम रोम में, रक्त रक्त में, एक एक रंग अंग में कथा प्रविष्ट हो जाएगी तब आगे बढ़ना। ऐसे कथा सुनो। वेदव्यास जी की पत्नी विटिका के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक क्या कर रहे हैं? केवल महादेव के द्वारा सुनाई गई जो अमर कथा है उसको केवल मनन चिंतन करने लगे। ऐसा वर्णन आता है 12 वर्ष बाद सुखदेव जी ने उस सुनी हुई कथा का जब गान करना शुरू किया तब विटिका के ऐसा लगा कि ये श्लोक कहां से आ रहे हैं, ये मैं क्या सुन रही हूं। तब अपने श्री वेदव्यास जी से जाकर के कहा कि महाराज मुझे कहीं से श्लोक सुनाई दे रहे हैं। तब उन्होंने मंत्र शक्ति से देखा, अरे देवी ये साधारण श्लोक नहीं है, अमर कथा के श्लोक हैं, महादेव के द्वारा कही गई कथा के श्लोक हैं, ये साधारण नहीं है, कहां से आ रहे हैं। और विचार किया और चिंतन किया तब जाके पता चला कि अरे देवी तुम्हारे गर्भ में ठाकुर जी का अनन्य भक्त संत चूड़ामणि साक्षात सुखदेव विराजमान। देवी इनसे निवेदन करूं मैं कि ये बाहर पधारें? वंदन किया, बोले भगवान मंत्र शक्ति से ही बात की, बोले आप पधारो, जन्म धारण करो, बाहर पधारो। सुखदेव जी बोले हम नहीं आएंगे बाहर। क्यों? बोले माया हमको पकड़ लेगी, माया बहुत बुरी है, यदि माया में एक बार पड़ गए, माया में एक बार हमारा प्रवेश हो गया तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ माँ के गर्भ में हम बहुत सुखी हैं, एकांतवासा झगड़ा ना झासा, अकेले हैं, कोई और है भी नहीं, यहाँ बढ़िया आनंद आ रहा है हमको, हमको बाहर आने के लिए आग्रह मत करो। बोले आपकी माँ को कष्ट हो रहा है, आप जन्म ले लो। तो सुखदेव जी बोले तो ठीक है, तो फिर हम आपकी गृहिणी के गर्भ को छोड़ के चले जाते हैं कहीं पर। तब उन्होंने कहा एक शर्त पर बाहर आऊंगा। क्या? नारायण को कहो आकर के मुझे आश्वासन दें, मुझे विश्वास दें, मुझे एक जिम्मेवारी का पत्र दें कि तुमको माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो वेदव्यास भगवान ने इसी क्षेत्र में बैठ करके आदि नारायण का स्मरण किया और विटिका के गर्भ में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुखदेव जी के सिर पर अपना वरद हस्त फेरने लगे। सुखदेव तुमको माया छुएगी नहीं, माया पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा, और तो और तुम जिसको अपनी सन्निधि प्रदान करोगे माया उसका भी त्याग कर देगी। तुम जन्म लो, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, मेरी कथा गाने के लिए तुम आए हो, जाओ मैं वचन देता हूं तुमको माया नहीं सताएगी। भागवत के श्रोता वक्ता दोनों ने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले किया, परीक्षित को भी दर्शन पहले हुआ, सुखदेव जी को भी दर्शन मातृगर्भ में ही हुआ। और निश्चित ही हम आप सब लोग जो भी यहां वक्ता श्रोता बन के बैठे हैं हमने भी निश्चित ही मातृगर्भ में 8वां महीना भागवत में आता है, कपिल भगवान देवभूति को कहते हैं कि 8वें महीने में बालक मेरी तपस्या करता है, वही बालक तपस्या करता है जो ठाकुर जी को अति प्रिय हो। और उसको फल के रूप में भगवान क्या देते हैं? बोले जब वो जन्म ले लेता है ना तो उसको भक्ति, उसको संत जनों के दर्शन, उसको कथा आदि, ये सब मैं उसकी 8वें महीने की तपस्या के फल के रूप में प्रदान करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रमाणित हो गया कि हमने भी दर्शन तो किए ठाकुर जी के, हम सब ने भी जन्म से पहले ठाकुर जी का स्मरण तो किया, उसी के फल में ये कथा प्राप्त हुई है हमें। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही जिनका अभी अपेत कृत्य है, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ, जन्म लेते ही वन में चले गए, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री सुखाचार्य जी को वंदन किया गया। बंधुओं कथाक्रम ऐसा है कि 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे थे,
और नैमिषारण्य में बैठ करके हम आप सब लोग कलयुगी लोगों की मति कैसे सुधरे उसके लिए कुछ विचार कर रहे थे। तब आया कि एक ही उपाय है क्या, कलयुग के लोगों के लिए यज्ञ करो। विशाल यज्ञ कुंड बनाया, 88,000 सब संत बैठ गए और यज्ञ करने लगे। अब एक दो दिन के यज्ञ में इतना धुआं हुआ, इतनी सामग्री लग गई कि संत बेचारे परेशान हो गए, कैसे होगा संपन्न, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तब वहां पर परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ। विद्वान को देखते ही संशय का समाधान पूछने चले गए। बोले महाराज, अज्ञान अध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, देखो कभी भी किसी ज्ञानी से मिलो ना तो अपने हृदय के पात्र को खाली करके उसके सन्मुख भरवाने के लिए पहुंचा करो। हम इससे कितना प्राप्त कर लें। अभी नागपुर में कथा थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं थोड़ी सी पीड़ा में भी आ जाता था लेकिन तब भी वो लोग मुझे छोड़ते नहीं थे। सुबह एक अलग कथा होती थी घर पर, फिर दोपहर में एक अलग चरित्र श्री राधा रानी का चरितामृत चलता था, और फिर कथा से आने के बाद में शाम को फिर पूरा परिवार बैठ के फिर कृष्ण चरित्र सुनते थे। और उनसे कोई कहता, बोले महाराज जी बेचारे थक गए हैं, महाराज जी को लगता है थोड़ी ना कुछ पीड़ा सी में लग रहे हैं, थोड़े थके हारे लग रहे हैं, बार बार उवासी ले रहे हैं। वो कहते 4 दिन को तो मिले हमको, हम जितना हो सके इनको निचोड़ लो, जितना हो सके ले लो। मैं भी कुछ नहीं कहता, क्यों, भागवत का सिद्धांत है, अज्ञान अध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हाँ, ज्ञानी कितना ऊंचा है वो बात अलग है, उस पर हमको चिंता नहीं करनी है। अगर दिख रहा है ना कि हाँ व्यासपीठ पर बैठता है तो थोड़ा ही ज्ञान होगा, उतना ही ले लो, जितना मिल जाए उतना अच्छा। लेकिन कई लोग तो परीक्षा की भावना से जाते हैं। हमको इसका उत्तर उन महाराज जी ने दिया था, उनका उत्तर बहुत बढ़िया था, इन महाराज जी से सेम प्रश्न करते हैं, देखते हैं ये क्या बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं करना, परीक्षाएं मत लो, जिज्ञासु बन के जाओ तो कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, वो पात्र भरेगा, उससे सुखी रहोगे। हे प्रभु, हम सब आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। कलयुग के लोगों पे इतना भी समय नहीं होगा कि वे लोग अपने माता पिता के चरण स्पर्श भी कर सकें, वो भगवान को कैसे पूजेंगे, भगवत शरणागति कैसे प्राप्त करेंगे। हमारा ये प्रश्न है भगवान, इस कलिकाल के लोगों का उद्धार कैसे होगा, हमें प्लीज कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भाई देखो, इस संसार में सबसे पहला जो मानव को कल्याण से वंचित कराता है वो है भय। किस चीज का भय? मृत्यु का भय। और मृत्यु के भय के रूप में और क्या उदाहरण दूं, ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग ही मृत्यु का भय है। कोई झूठे को बोल दे वो आगे जाम लगा, क्यों, लैंडस्लाइड हो गया, तो अपने बगल वाले पहाड़ पर जाती है नजर, ऊपर से आ तो नहीं रहा कोई, क्यों, ये मृत्यु का भय भीतर बैठा है। हम कितने भयभीत हैं, जुखाम हो जाए 4 प्रकार के डॉक्टरों से 4 प्रकार की दवाइयां लिखवा लेते हैं, ठीक करो कैसे भी, क्यों, आजकल जुखाम अब तो नहीं है लेकिन बीच में जुखाम होने का मतलब, कोरोना नहीं महाराज, पति को जुखाम हो जाए तो पत्नी दूसरे कमरे में जाएगी, बच्चे दूर भागेंगे, पिताजी ये लो अपनी तौलिया, ये लो अपनी केटली गर्म पानी कर करके पीते रहे ना, मारो
आदमी को जुखाम हो जाए तो डर के मारे नहीं बताता था। कोरोना का शुरुआती समय, जब कोरोना आया ही आया था यही मार्च के समय के आसपास, तो हम परिवार के लोगों के आगे हाथ जोड़ते थे, भाई किसी को भी अनुभव होना अंदर से कि लग रहा है हमें कि हाँ थोड़ा बुखार सा है या थोड़ा जुखाम सा है तो बता देना, डर के मारे बताते नहीं थे। एक पंडित जी हमारे यहाँ, उनकी वो हम लोग खेलने गए कोरोना में, क्या करते खेलते थे तो कहीं खेलने गए, घर के बाहर ही खेलते थे, खेल के अंदर आए तो वो जब बोले तो उनकी आवाज में मुझे थोड़ा ऐसा लगा गला बैठ गया है। मैंने उनसे कहा मैं तुम्हारा गला बैठ गया है, उतने घबरा गए, नहीं रोने लगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे मैंने कुछ कहा तुमसे, मैं इतना ही तो कहा गला, नहीं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सब जगह जाके बोले भैया को ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना हो गया। वो मैंने कहा मैंने इससे बस पूछा कि तेरा गला बैठ गया है क्या, वो इतने में ही डर गया। ये भय किसका है? कोरोना तो एक बहाना है, हमारा भय है मृत्यु का भय। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में हम बैठे हैं और कभी भी हमारा अंत कर सकता है, कोई समय नहीं है उसका, कभी भी हमारा नाश कर सकता है। लेकिन इसके भय से बचें कैसे? हमको छोटी छोटी चीजों में इतना डर लग जाता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसके भय से बचने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम। क्यों? भागवत ऐसा हमें क्या दे देगी जिससे हमको मरने का भय खत्म हो जाएगा? भा आपकी श्रीमद् भागवत आपकी मृत्यु की जो दृष्टि है ना आपकी, उसको बदल देगी। मैं अपनी कथाओं में बहुत अच्छी बात कहता हूं, कथाओं में ही कहता हूं, क्योंकि कथा में मैं नहीं कहता, मैं तो एक वंशी हूं, श्री किशोरी जी या श्याम सुंदर जो फूंक दें वो निकल आता है उनकी कृपा से। तो एक बात मैं कहा करता हूं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा है, और ये भागवत की कथा जो हमने 7 दिन तक श्रवण की, ये क्या है? ये हमारा विवाह महोत्सव है। हम प्रियतम से ब्याह करने के लिए आए हैं, हम ठाकुर जी से ब्याह कर रहे हैं। आज पहला दिन हो गया, मतलब एक फेरा कंप्लीट आज, कल दूसरा दिन, तीसरा दिन, 28 तारीख को आप सब लोगों का ब्याह हो जाएगा। ब्याह पढ़ाने वाले हमें, हम सबका ब्याह पढ़ा रहे हैं। किससे ब्याह करेंगे? बोले नर नारायण, जिस जो रीज हैं आपको उनसे ब्याह हो जाएगा आपका 7 दिन में। लेकिन यहाँ का ब्याह का परंपरा पुरानी वाली है, क्या बहू ब्याह करके ससुराल नहीं जाएगी, मायके ही जाएगी। आप सब बहू हो, 7 दिन में ब्याह करके अपने अपने सब पियर ही जाओगे, लौट लौट के सब अपने घर जाओगे। क्यों? बोलो गौने का इंतजार करो। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है। बोले अब निरंतर इस प्रियतम जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ है उसका चिंतन करो, उसका स्मरण करो, नित्य माला के नाम पर उससे फोन पर बातें करो, उसका अनुभव करो। किस चीज के लिए? बोले अब मैं योग्य हो गया हूं, अब मैं योग्य हो गई हूं गौने के। और जब तुम स्वयं को योग्य मान लो तब फिर इंतजार करो कि कब मेरे प्रियतम बुलावा भेजेंगे। और जिस दिन मृत्यु हो उस दिन को ही ये मान करके कि मेरे प्रियतम बुला रहे हैं, चल दो, पालकी में बैठ के 4 लोग लेके जाएंगे, और विमान भी कितना सुंदर है, चितारूपी विमान पर बैठाएंगे, तुम्हारी जितनी सामग्री सब धर लेंगे। बोले प्रियतम से कहना वही नई खरीदवावे, वस्त्र आदि सब उतार देंगे, बढ़िया तुमको सजा धजा करके घी का लेपन करके बढ़िया उस विमान में बिठा करके तुम्हारे अपने ही इस संसार से तुमको विदा कर देंगे।
कथा के आश्रय में आने के बाद मृत्यु मृत्यु नहीं होती, मृत्यु भगवान अब हमारे प्रियतम का बुलावा हो जाती है। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, प्रियतम का बुलावा है ये मृत्यु। और वो प्रियतम का बुलावा बनेगी कब? जब भागवत का आश्रय लोगे, श्रीमद् भागवत को श्रवण करोगे। जीने का तरीका नहीं, मृत्यु का तरीका सीखो। जीना तो संसार हमको सिखा देता है, जीना तो आसपास रहने वाले लोग हमको सिखा देते हैं, जीना तो परिस्थितियां हमको सिखा देती हैं, जीना तो ये सब कुछ हमें सिखा देगा, लेकिन मृत्यु कौन सिखाता है? हम लोग कभी चिंता करते हैं? हमने कभी डिसाइड किया कि हमको ऐसी मृत्यु चाहिए, हमारी मृत्यु हो तो ऐसी हो? हाँ, सब ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जामे, हमारा वहां मृत्यु नहीं हो, बिना किसी रोग के ऐसी बैठे बैठे चले जामे और मरने के बाद हमको मुक्ति मिल जाए। बस सब चाहते हैं हम सुखी मरें और मृत्यु मिले, लेकिन ये इसका कंक्लूजन नहीं है। सुखद मृत्यु के लिए भागवत ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर मृत्यु की खुलेआम चर्चा होती है। बाहर किसी के पास यदि मृत्यु की चर्चा करो तो वो आदमी मुंह बंद कर देता है, भाई क्या बात कर रहे हो, मरने मराने की बात मत किया करो। लेकिन श्रीमद् भागवत में और कुछ है ही नहीं, 7 दिन में यही सीखना है कि मरना कैसे, क्योंकि संसार में बाकी सब असत्य है, बाकी सब नश्वर है। एक ही चीज है जो हमें पता है, जो सत्य है, क्या? एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, कितनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, कैसी कैसा घर बनाऊंगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसी पत्नी होगी, ये सब हमारी मन की सोच है। मिले ना मिले सब चीज ठीक है, लेकिन मृत्यु ये तो अकाट्य सत्य, एक दिन मिलेगी मिलेगी, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुमको मिलेगी। जो चीज हमारे पास है नहीं, हम उसकी चिंता करते हैं, घर कैसे बनाए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे होंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। ब्याह होने के बाद पति पत्नी ये तक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा होगा उसका ये नाम होगा, ये वाले स्कूल में जाएगा, मुझको मॉम बुलाएगा, तुमको डैड बुलाएगा, अगर मैंने पापा सुन लिया उससे छोड़ूंगे नहीं, ऐसी बातें। ये सब तो चलो ठीक है, तुम इसके बारे में जानते नहीं हो कि तुम्हारी संतान होगी भी कि नहीं, लेकिन तुम जिसको जानते हो तुमको भी उसकी चिंता करते हो कि हमारी मृत्यु कैसी होगी। भीष्म पितामह ने चिंता की थी जब उनके पिता शंतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि बेटा मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी जब इच्छा होगी तू तब मरेगा। भीष्म पितामह ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए, बोले मेरी इच्छा तो यही है, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन्नारायण मेरे सामने खड़े होंगे, उनको देखते देखते उनकी स्तुति गाते गाते अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। मेरी स्थिति ऐसी है, मैंने संकल्प ले लिया कि मैं ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। अब मेरे पिताजी का वरदान फलीभूत हो उसकी जिम्मेवारी ठाकुर जी की। देखा जाए ना, हम सबको इच्छा मृत्यु मिली है, लेकिन हम इच्छा मृत्यु की करते कब हैं? कभी नहीं। इसी हॉल की बात है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं उस संदर्भ को याद करके। कंसल परिवार ने कथा कराई थी, पहली कथा बद्रीनाथ में, भीष्म पितामह के प्रसंग को गा करके मैं जैसे ही मंच से उतरा, एक पंडित जी आए, उसी परिवार के पुरोहित थे, और आकर के निवेदन करने लगे, महाराज जी जैसे भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखते हुए प्राण त्याग दिए ना, मैं भी ऐसे ही त्यागना चाहता हूँ, आप कृपा कर दो, हाथ रख दो कि मेरे ऐसे प्राण निकले। अब मैंने कहा कथा में भाव आ जाता है, लोग कुछ भी बोलते, मैंने कहा अरे भैया ऐसा क्यों सोचो, सब बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, नारायण सामने बैठे, गंगा का तट है, बद्रीनाथ है, कथा चल रही है, यहां पर बहने वाली हवा भी वैकुंठ से आती है, साधारण नहीं है, मुझे वापस घर नहीं जाना, आप कृपा करो मेरे यहीं प्राण निकले। अरे मैंने कहा भाई ठीक है, चला गया। वो बंदा रात भर सोया नहीं उस दिन, ठाकुर जी के सन्मुख प्रणाम करने जावे, गंगा के कोने बैठे हैं, नित्य ठाकुर जी का जो कथा सुनी है उसी का उनका चिंतन चल रहा है, रात्रि में भोजन नहीं पाया, सब लोग पूछ रहे क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, बस
रोने लग जाते, बोले ठाकुर जी ऐसा लग रहा है कि बस अब प्राण निकल जाए, अब जीवन का सब सब कुछ यहीं समाप्त हो जाए। तीसरे दिन की कथा थी जब ये बात हुई, और चौथे दिन की कथा, चौथा दिन सुबह 5:30 बजे यहीं रुका था मैं, हमारे यजमान दौड़े दौड़े आए, महाराज जी, मैंने कहा हमारे पंडित जी के प्राण निकल गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपने आसन पर बैठ करके नारायण का स्मरण करते हुए सुखासन में प्राण त्यागे। हम निश्चित करते कब हैं? इच्छा मृत्यु तो हम सबको प्राप्त है, लेकिन उस मृत्यु की इच्छा कैसी हो, वो मृत्यु कैसी हो, हम करते कब हैं? हमने आज तक कभी विचार किया? हम गाते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलें, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकलें, पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकलें, श्री यमुना जी का तट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकलें। गाते तो हैं, मानते कितना है हम? एक बात कहूं, कई लोगों को अटपटी लगे, लेकिन बद्रीनाथ में निश्चित कर लेना कि हमें मृत्यु कैसी चाहिए, और ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करना, हे नाथ, चाहे एक क्षण के लिए सही मेरी अंतिम श्वास निकले, मैं ये नहीं चाहता कि मृत्यु के बाद आपको देखूं, बस एक प्रार्थना है मेरी कि जब प्राण निकले ना, वो अंतिम क्षण जब हो, मुझे ना मेरा बेटा दिखाई दे, ना बेटी दिखाई दे, ना परिवार का कोई व्यक्ति दिखाई दे, उस समय शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आप सामने आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये निश्चित करके जाओ यहां से, और खुशी खुशी कह रहा हूं मैं आपसे, ये मृत्यु अकाट्य सत्य है, बाकी सब असत्य है। यहां से नीचे दोबारा जमीन में जाकर के तुमको जो करना है तुम्हारा कर्म तुमको दे देगा, लेकिन मृत्यु तुम्हारे वश में नहीं है, वो केवल इन्हीं के वश में है। कहां दे दें पता नहीं, फ्लाइट में दे दें, ट्रेन में दे दें, कहां दे दें, कोई कोई अता पता नहीं है उसका। इसलिए अभी से इनसे प्रार्थना करके जाओ, जीवन में सुख दो दुख दो सब सह लूंगा मैं, लेकिन मृत्यु मुझे ऐसी देना, और तुम्हारी जैसी इच्छा हो निश्चित कर लेना, और एक डायरी में कहीं लिख लेना मैंने ऐसा वरदान मांगा है। हे नाथ, कुछ नहीं चाहिए, मृत्यु हो तो ऐसी हो। इस संसार में रह करके 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, जितने साल आपने हमें यहाँ रखा, संबंध बनवाए, सब 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 चीज हमको याद है, लेकिन जब हम जाएं यहाँ से तब हमें कुछ स्मृति नहीं चाहिए। इस संसार को जब अलविदा करें तब नाथ आप सामने हो, और कुछ नहीं चाहिए। और ये कहने का बल नहीं कह पाओगे, आज अभी मैं कह दूं जाके बद्रीनाथ भगवान से ऐसी ऐसी प्रार्थना कर, नहीं कह पाओगे, ये कहने का बल भी आपको भागवत प्रदान करेगी। अभी मत कहना, जाते समय बद्रीनाथ भगवान को प्रार्थना करके जाना, बस ऐसा हो जाए। कृपा करो नाथ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपालु है मेरे नाथ, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। पूतना मारने आई तो भगवान नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने देवताओं की पूरी बैठक बुलाई, इंद्रादि देवता प्रकट हो गए, भगवान आज्ञा करो आपने हमको क्यों बुलाया, बोले ये पूतना मारने आई, बोले हाँ नरक में इसकी सब व्यवस्था कर दी हमने, तो बोले जो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त है ना पहले से, उसको व्यवस्थित करवा देना, क्यों पूतना आएगी वहां। देवता कह रहे हैं भगवान आपको मारने आई है, आपको वंदन करने नहीं आई, आपको विष पिलाने आई, और आप कह रहे हो कि वो गति दूंगा जो मां यशोदा को मिलेगी, कैसे कृपालु हो नाथ आप, किस बात पे रीझ गए हो, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं,
कुछ भी तो अच्छा नहीं है, फिर इसको वो गति क्यों देना जा रहे हो जो परम पवित्र माँ यशोदा को मिलने वाली है। भगवान कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम, बोले कि मैं पूतना पर इसलिए रीझ गया हूं क्योंकि ये जिस तरीके से मुझको मारने आई है ना, वो मारने का स्टाइल मुझे बहुत बढ़िया लगा है? अरे कोई कोई अपने पयोधर में विष लगा के किसी बालक को पिला के मार सकता है, लेकिन ये अपने पयोधर को मेरे मुखमंडल में देकर के अपनी छाती से लगाएगी मुझे, तो मेरे अंदर क्षण भर के लिए सही मातृभाव इसके लिए प्रकट हो जाएगा। मेरे को इस पर बड़ी दया आ रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इसने मारने का जो तरीका अपनाया ना, मैं उससे बड़ा खुश हूं, इसलिए तैयारी रखो, उतना आ रही है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, अरे नाथ आपसे बड़ा दयालु कौन है, कृपालु कौन है? कृपानाथ है, कृपा अवश्य करेंगे, प्रार्थना करो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा हमारे पूज्य पिताजी महाराज के प्रिय पदों में से एक है, इसलिए भाव से गाओ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत। बोल भद्र विशाल भगवान की जय हो। Thank you.
गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों से है बाद साहत तुम जी महाराज कभी कभी अपने पंक्तियों में ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाते हैं, ठाकुर जी से शिकायतें करते हैं। ये जो इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है ना बद्रीनाथ में, बिंदु जी महाराज मानो इस भाव को कह रहे हैं, क्यों लग रही है, क्या मिल रहा है इनको यहाँ पे? केवल और केवल आपकी कृपा की आकांक्षा के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम बद्रीनाथ भगवान को देखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे थोड़ी हम पे कृपा कर देंगे। और आप कृपा करते हो तभी इतनी भीड़ आती है, नहीं तो क्यों आवे? तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कोई नहीं आता यहाँ पे। ये सब आपकी कृपा का अनुभव करने आते हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कृपा करने की। बोलो वो तो आपको करनी पड़ेगी भगवान। क्यों? गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ये सारा संसार आपने गरीब बनाया है। गरीब का मतलब धनहीन व्यक्ति को गरीब नहीं कहते, यहां पर बिंदु जी कृपाहीन व्यक्ति को गरीब कह रहे हैं, जो कृपा से वंचित है, जो आपके भाव से वंचित है वो गरीब है, उस पर कृपा करो भगवान। ओ गरीबों से साहत तुम्हारे, गरीबों से है साहत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो पालू है नाथ। आगे एक बार इच्छा करके तो देखो। अच्छा एक बात बताऊं, हम ठाकुर जी से सदैव वो इच्छाएं करते हैं जो सत्य नहीं है, जैसे कि घर बनवा दो, जॉब लगवा दो, बहुत सारे पैसे दिलवा दो, या अन्य अन्य जो भी आपकी इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं मतलब ये सत्य नहीं है, ठाकुर जी को इनका सृजन करना पड़ेगा। अरे बेचारा इतना कह रहा है तो उसको घर, अब इतना टाइम है भगवान पे, वो सब छोड़ के जाऊं मैं तुम्हारे घर की व्यवस्था करें, तुम्हारे लिए जमीन की व्यवस्था करवा दें। कोई कोई कह रहा है मेरी सुंदर पत्नी से ब्याह हो जाए उसके लिए छोरी ढूंढ के लाएं, कोई कह रहा है मेरे बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बन जाएं, उसके बच्चे बिना पढ़े लिखे पेपर में पास हो जाएं। ठाकुर जी पे इतना समय थोड़ी है कि ये सब करें। लेकिन हाँ, जो बात सत्य है उसके लिए यदि आकांक्षा करोगे तो ठाकुर जी को कुछ करना नहीं है ना। आप क्या कहो? हे नाथ, बस आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या जब कभी भी संसार से जाऊं तब कोई ना हो, आप सामने हो। और केवल ऐसा नहीं कि मैं बहुत समय मांग रहा हूं आपसे, एक मिनट का समय दे देना बस, एक मिनट के लिए मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, हम दोनों का संवाद हो जाए। और संवाद तो बहुत दूर की बात है, संवाद भी एक इच्छा हो जाएगी, मैं संवाद भी नहीं करूंगा, केवल आपको देखना है।
आपका दर्शन करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना करके बद्रीनाथ भगवान से जाओगे तो बद्रीनाथ भगवान सोचेंगे मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, उसके लिए मुझे कुछ प्रयोजन नहीं करना है, भाई इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ कुछ नहीं है, मैं इसके भीतर ही विराजमान हूं, बस प्रकट होकर दर्शन दे देना है। हम असद वस्तुओं को मांगते हैं तो ठाकुर जी पूर्ण करने में कतराते हैं, लेकिन सदवस्तु मांगो तो क्यों कतराएंगे, पूर्ण करने के लिए तैयार बैठे। ये मांगो, एक पद है मुझे याद नहीं आ रहा है, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, आगे की भाव मुझे याद नहीं आ रहे, कल सुनाऊंगा जरूर। क्या मांगू हे नाथ से, वो पूरा भाव है उसमें। तो कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में भगवत प्राप्ति कराने का, भय मुक्त कराने का एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत, ये भय मुक्त करती है। प्रश्न हुआ महाराज जी भागवत का शास्त्र इतना बड़ा है क्या, ऐसा क्या है, बोले कि सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत की कथा, देवताओं को सुनने को नहीं मिलती कथा, क्योंकि देवता सब व्यस्त हैं, सूर्य अपने कार्य में व्यस्त है, चंद्रमा अपने में, 33 कोटि देवता सब व्यस्त हैं, उनको कथा सुनने के लिए अवकाश नहीं है, उनके पास छुट्टी नहीं है कि वो कथा सुन सके, देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसी भागवत की कथा, उसको उसकी सन्निधि ले लो तो तुमको इतना बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हुआ महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई, अभी बता के गए ना श्री धर्माधिकारी जी, सबसे पहली कथा कहाँ हुई भागवत की, सबसे पहली कथा भागवत की, मतलब भागवत के विषय में चर्चा होना भी एक प्रकार से कथा ही है, भागवत का नियोजन प्रयोजन ये सब कुछ यहीं पर हुआ, भागवत का सृजन यहाँ पर हुआ, भागवत की कथा तो यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के जाओ, ऋषिकेश हरिद्वार में आनंद नाम के वन में प्रथम भागवत की कथा हुई, लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था और कैसे होगी वो सब बद्रीनाथ में हुआ, वही बताया जाएगा। क्या हुआ, बोले एकदा हि वेशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तत्र सुस्तत्र नारद। एक बार की बात, इस विशाल क्षेत्र में, अच्छा बंधुओं इसको विशाल क्यों कहते हैं, यहां एक राजा हुए विशाल नाम के, ठाकुर जी को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, एक कथा तो मैंने अभी सुनाई थी, क्योंकि बद्री फल से खेल रहे थे, बद्री फल से खेलते खेलते तपस्या करने लगे इसलिए बद्रीनाथ। दूसरा भाव, ठाकुर जी जब यहां तपस्या में विराजित हुए तो यहाँ के शीत लहरों ने ठाकुर जी के ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ की परतें बना दी, लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो रही थी वैकुंठ में कि मेरे नाथ तपस्या कर रहे हैं, मैं दर्शन करने जाऊं। अब तपस्या के मध्य में पत्नी का आगमन ये विरुद्ध है, तप में तो यहाँ पर आज भी ब्रह्मचारी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और ब्रह्मचारी जो रावल जी हैं, जो ठाकुर जी धर्माधिकारी जी आए थे, वे ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते, ठाकुर जी के स्पर्श का अधिकार तो ब्रह्मचारी को है, और वो ब्रह्मचारी भी दक्षिण भारत से आएगा, और वो भी एक शंकराचार्य जी के द्वारा नियुक्त एक परिवार का ही बालक, वो पूरी पढ़ाई अध्ययन उसी अनुसार करता है कि उसको बद्रीनाथ की सेवा, मतलब उसका जीवन कुछ नहीं है, उसका जीवन केवल बद्रीनाथ है, उनका पूरा जीवन केवल बद्रीनाथ के लिए है। अभी जो रावल जी हैं ये अपने परिवार के किसी बालक को नियुक्त कर चुके होंगे कि मेरे बाद ये सेवा करेगा, वो उसका भी अध्ययन चल रहा होगा, वो बाल्यकाल से ही अध्ययन करेगा शास्त्रों का वेदों का, ठाकुर जी की वहीं एक भाव से एक सेवा करता होगा,
कि सेवा सीखूं कैसी सेवा होती है, वो सब उनका पूरा वैसा नियम है। तो जहां सेवा में ब्रह्मचारी चाहिए वहां पत्नी का काम क्या। लक्ष्मी जी लेकिन चोरी चुपके दर्शन करने आई नाथ का, बोले मैं दूर से ही देख लूं। दूर से जैसे ही देखा इस नारायण पर्वत पर भगवान, अच्छा कभी या तो शयन के दर्शन करने जाना बद्रीनाथ भगवान के, या फिर सुबह मंगला दर्शन करना, उसकी टिकट कटती है। शयन की 3,500 रुपए की है और मंगला की 4,000 कुछ की है। शयन कब होते हैं वो टिकट जब कटवाओगे तो पता चल जाएगा, भीड़ के अनुसार होते हैं। लेकिन मंगला मुझे जो याद है 3:30-4 बजे मंगला होती है श्री बद्रीनाथ भगवान की। उस समय ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है, शालिग्राम भाव से, शालिग्राम शिला में श्री बद्रीनाथ भगवान है, चतुर्भुज रूप है, विशाल जटाएं हैं बद्रीनाथ भगवान के। और ठाकुर जी सबसे बड़ी बात है कि तप का मतलब शरीर को अव्यवस्थाएं देना, तो पद्मासन तो है ही है ठाकुर जी का, लेकिन पद्मासन में और श्रमित हो गए उसके लिए ठाकुर जी केवल एक कूल्हे पर बैठे अपने, मतलब केवल एक तरफ ऐसे उठा हुआ ठाकुर जी का विग्रह है। भयंकर तप कर रहे हैं ठाकुर जी यहां पर। और वो दर्शन आपको होगा या तो प्रातःकाल मंगला में या फिर रात्रि शयन में, ठाकुर जी के सर्वांगण अंग। बोल द्वारिकाधीश की, विराजो भगवान, जय हो। बड़ो सुंदर पटका है महाराज, मन तो एरो ये पहन के कथा कर लूं, लेकिन जन्मोत्सव वाले दिन पहनूंगा, पी लो है। अरे द्वारिकाधीश है महाराज, बड़ी कृपा आज हमारे ऊपर हुई। देखो सहज ही ठाकुर जी कितनी अनुकंपा बरसाते हैं। आज प्रारंभ में कथा में श्री धर्माधिकारी जी पधारे थे और आद्य शंकराचार्य भगवान के शिष्य परंपरा के पूज्य स्वामी जी पधारे थे और हमारे लाला के बड़े भैया दाऊ दादा के सेवा अधिकारी जी दाऊ जी से पधारे हैं ब्रज से, श्री दिनेश जी, उनके सेवा अधिकारी जी भी पधारे। और अभी अभी हमारे ठाकुर जी द्वारिकाधीश रूप में जहाँ सेवा ग्रहण करते हैं, ऐसे द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश मंदिर के सेवा अधिकारी और ठाकुर जी के परम स्नेही, हम लोगों पर जिनका बड़ा परम मैत्री भाव, भ्रातृ भाव से जिनका खूब स्नेह प्राप्त होता है, ऐसे हमारे श्री चित्रांग पुजारी जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। श्री द्वारिकाधीश पधारे, उनके बारंबार चरणों में प्रणाम करते हैं। आपको सौभाग्य है ठाकुर जी के अंग का स्पर्श करने का। और मैं तो ऐसा भी कह दूं कि मेरी भागवत की कुछ जननियां हैं, मतलब समझ रहे हो, इस भागवत मंच पर मुझे बैठाने में जिन जिन लोगों का योगदान, वो सब मेरी जननी है, माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे पूज्य नाना जी हैं, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव। और जिन जिन वक्ताओं को मैं श्रवण करता रहता हूँ, जिन गुरुदेव से मैं अध्ययन करता हूँ, जिन लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है अध्ययन में आदि, वो सब मेरी जननी है। उन समस्त जननियों में एक जननी मेरे ये भी है, क्योंकि जो प्रथम कथा दास की द्वारिका में हुई थी वो इन्हीं के हट से हुई थी। बोले कि अगर लाला पहली कथा करेगो व्यासपीठ पे बैठेगो तो वो द्वारिका में ही बैठेगो। और द्वारिकापुरी में श्री रमन रीति वाले महाराज जी, पिताजी महाराज, पूज्य नाना जी और आप श्री ने ही हाथ पकड़ के व्यासपीठ पर प्रथम बार बैठाया, इसलिए चित्रांग जी को हमारी जननी, इनको भी बारम्बार प्रणाम। कृपा सहज, आजकल तो खैर बद्रीनाथ में जित देखूं उतित गुजरात में ही है,
जहाँ देखूँ वहाँ सब गुजराती लोग ही दिख रहे हैं बापू के प्रभाव से, लेकिन हमारे महाराज जी का पहले ही भाव था कि नहीं बद्रीनाथ कथा में मैं पहुँचूँगा निश्चित ही, और आप श्री पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल बापू भी पधारेंगे, अब जब कल या परसों जब भी उनको अवकाश होगा, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ विशाल धन्यवाद, एक आध ही सुनने ध्यान से। तो विशाल से पहले मैं बता रहा था ठाकुर जी को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं। तो लक्ष्मी जब आई उन्होंने आकर के देखा ठाकुर जी को कि ठाकुर जी के ऊपर कैसी बर्फीली हवा से बर्फ जम गई है, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने आचार्यों से पूछा कि मैं ठाकुर जी के समीप नहीं जा सकती, वो तपस्या में है, मैं उनके अर्धांगिनी हूँ, अभी मेरा निषेध है जाना, तपस्या भंग हो सकती है, तो किस रूप में जाऊं मैं, अन्यत्र कोई रूप धारण करके चली जाऊं। तब आचार्यों ने आज्ञा की कि ठाकुर जी पे बहुत ठंडी के कारण बर्फ सी जम गई है अंग पे, इसको दूर करने के लिए आप ठाकुर जी के पास ग्रीष्म के भाव से जाओ। और ग्रीष्म का भाव क्या है? बोले बद्री फल बहुत गर्म होता है, बद्री मतलब बेर का जो वृक्ष होता है वो गर्म होता है, यदि आप बद्री वृक्ष बन के जाओ और ठाकुर जी की पीठ पर पीछे उनको थोड़ा आप स्पर्श प्रदान कर दो वृक्ष के भाव से, तो आपको उनका सानिध्य मिल जाएगा और ठाकुर जी को बद्री वृक्ष से थोड़ी गर्मी मिलेगी, तो उससे जो बर्फ जम गई है अंग पर वो सब पिघल जाएगी। तो श्री लक्ष्मी जी यहाँ बद्री वृक्ष बन करके आई और भगवान के पीछे आकर के खड़ी हो गई, उनके स्पर्श से भगवान बद्रीनाथ के अंग की समस्त जो बर्फ थी सब पिघल करके बह गई, इसलिए देवताओं ने आकर के प्रणाम किया, यहाँ लक्ष्मी बद्री के रूप में है, उसके नाथ विराज रहे हैं, इसलिए बद्रीनाथ, इसलिए उनको बद्रीनाथ कहते हैं, बद्रीनाथ। लेकिन बद्री विशाल, विशाल कौन है? विशाल एक राजा था, उसका सब कुछ हरण हो गया था एक युद्ध में, सब छीन लिया था उसके विपक्षी राजा ने। उसको जब पता चला कि यहां पर नारायण तपस्या कर रहे हैं लोगों के मानवों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो आ गया, आकर के भगवान की खूब तपस्या की, खूब उसने स्मरण किया, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, बोले क्या वरदान चाहते हो विशाल? तब उसने कहा कि महाराज मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पास मेरा राज्य खूब बड़ा हो जाए, मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए, मैं सब सर्व विजयी हो जाऊं, सारे राजाओं को परास्त करके एक छत्र सम्राट बन जाऊं, आप कृपा कर दो। भगवान बहुत जोर से ऐसे, भगवान बोले यहां आकर के तपस्या करके भी भोग विलास की वस्तु मांग रहा है, मेरा दर्शन करके भी तेरे अंदर से भोग नहीं नष्ट हुआ, मुझे देखने के बाद भी तेरी इच्छाएं नष्ट नहीं हो रही है? विशाल बोला भगवान कृपा करो, जो चाहिए वो मैंने मांग लिया। भगवान बोले ये कृपा तो हम कर देंगे, लेकिन दूसरी कृपा और करेंगे क्या, तेरे भीतर से भोग भोगने की इच्छाएं नष्ट हो जाएं। क्यों? बोले इस विशाल क्षेत्र में आकर के भोग नष्ट नहीं हुआ तो तुम यहां आए ही नहीं हो। ये बात मैंने सुबह भी कही थी, और सुबह नहीं कही थी शायद, मैं आप लोगों से चर्चा में कह रहा था कि यहां पर इच्छाएं प्रकट नहीं होती, भूख भी कम लगेगी, नींद भी कम आएगी, संसार के जितने भी भोग विलास हैं उन सबकी इच्छाएं यहां थोड़ी कम हो जाती हैं, और यदि कम नहीं हुई है तो भगवान से प्रार्थना करना कि कर दो कम, अब भी तुम्हारी जीव चट्टपना मांग रही है, तुम्हारी इच्छा हो रही है कुछ चटारा सा मिल जाए, कुछ बढ़िया भोजन को मिल जाए, कोई बढ़िया रहने की व्यवस्था हो जाए, ये सब हो जाए, तो ठाकुर जी से जाके प्रार्थना करना, हे नाथ मेरे भीतर ये जितनी भी इच्छाएं हैं ना इन सबको समाप्त कर दो, मैं सब हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूं ऐसी कृपा कर दो। ये वाला वरदान नाथ तत्क्षण दे देते हैं, क्योंकि यहाँ की वायु में है, यहाँ की वायु आपकी संसारी इच्छाओं को नष्ट करती है। भगवान ने विशाल को वरदान दिया कि तेरे हृदय से सारी भोग विलास की इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, और रही बात जो तूने पहला वरदान मांगा कि तेरा सारा साम्राज्य ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो सब संपन्न हो जाएगा, लेकिन तुझे यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है, तू यहां बैठे बैठे जो चिंतन करेगा तेरे राज्य में वैसा हो जाएगा, तू यहीं विराज में, तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, और मैं वरदान देता हूं आगामी समय में जो कोई भी मेरा नाम बोलेगा अकेले नहीं बोलेगा,
सब कहेंगे बद्री विशाल भगवान की जय। तो इसलिए विशाल जो था वो राजा था जिसने ठाकुर जी का यहाँ पर आकर के मुखोल्लास किया, ठाकुर जी की तपस्या के बीच में उनको हंसा दिया, उनको आनंदित कर दिया। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि अपने नाम के आगे उसका नाम जोड़ दिया, ऐसे बद्री विशाल भगवान। इसलिए उनको विशाल कहते, बद्री विशाल। तो एकदा ही विशाल आया चत्वार ऋषयों मलम सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारद। भागवत की भूमिका ही बद्रीनाथ से प्रारंभ होती है। क्या कह रहे हैं, बोले एक बार बद्रीनाथ के विशाल क्षेत्र में चत्वारी ऋषयो मलाह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बैठ करके सत्संग कर रहे थे। कैसे सत्संग, तीन बैठ के सुन रहे थे, एक बैठ के कथा सुना रहा था। एक की कथा पूरी होती तो वो नीचे बैठ जाता, दूसरा आके उसको कथा सुनाता, दूसरे की कथा पूरी हो जाती तीसरा आके कथा सुनाता। ऐसे चारों एक दूसरे को ही कथा सुनाते और एक दूसरे में ही प्रसन्न रहते। इतने में ही उन्होंने क्या देखा, बोले दद्रसुस्तत्र नारद, नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी को देखते ही चारों ने उठ करके उनको प्रणाम किया और नारद जी की मुखाकृति को देख करके बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी, ये चेहरे पर आपकी चिंता कैसी, ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ चोरी हो गया, आप किसी की खोज में निकले हो, क्या हुआ हमें बताइए। पहली कथा कैसे हुई वो बताई जा रही है। तो नारद जी महाराज जब चारों को मिले तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, हमारे देवलोक में इस पृथ्वी की इतनी प्रशंसा होती है, पृथ्वी ऐसी पृथ्वी ऐसी पृथ्वी ऐसी, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी देखने जाऊं। पृथ्वी देखने आया तो मैंने क्या देखा, अहम तुम पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। सब जगह में गया, इसको अच्छा जान करके मैं सब जगह गया लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। क्या हो रहा था, बोले सब जगह मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज ये जो बद्रीनाथ भगवान है ना, सतयुग में भी यहां विराजे हुए थे, यहां तपस्या कर रहे थे, त्रेता में भी नरनारायण विराजते थे, द्वापर में भी विराजते थे और वर्णन आता है सतयुग में ऋषियों के संग विराजते थे, त्रेता में महात्माओं के संग विराजते थे, द्वापर में भक्तों के संग विराजते थे और कलयुग में केवल एक भाव से विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हंसते नहीं है लेकिन तीनों युगों में ठाकुर जी बोलते थे। कलयुग में क्या हो जाता है, ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं चलते? इसलिए नहीं चलते क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ऐसा है। कैसे हैं हम, बोले सत्यम नास्ति, हम असत्य बोलते हैं। आज हम इंसान इंसान से झूठ बोलता है, यदि भगवान चलते फिरते होते, भगवान भी हंसते बोलते तो एक ना एक दिन हम इतने ज्यादा वैसे हो जाते, हम भगवान से भी झूठ बोलते। सत्यम नास्ति, हम में सत्य नहीं है। और क्या नहीं है हमारे पास, तपह, हम तप करना नहीं जानते, हम भजन करना नहीं जानते, शौचम पवित्रता नहीं है हमारे भीतर, अपवित्र रहते हैं। हमारे पास सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान करना जानते नहीं है। उदर भरिणो जीवा, मेरा पेट कैसे भरे, बस इसी की खोज में लगे रहते हैं। और बरा का कूट भाषण, गंदी वाणी बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, इन सब कारणों से भगवान हमारे सन्मुख प्रकट नहीं होते, ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं। नारद जी बोले सब जगह मैंने ऐसे लोगों को देखा और कैसे देखे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। हम कैसे हैं,
मंद बुद्धि। कैसी मंद बुद्धि हमारी, जिस काम को करने में 2 मिनट लगना चाहिए उस काम को करने में 2 घंटे लगाते हैं। मेहनत करके यदि हमको धन कमाने को मिल रहा हो तो हम वो नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, क्या करें जिससे मेहनत ना करनी पड़े, पैसा मिल जाए। हमारी ऐसी बुद्धि हो गई है। और एक शब्द कहा गया यहां पे दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का मतलब पता है, एक 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 उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं दीर्घसूत्री किसे कहते हैं। एक बार जंगल में शेर ने एक चुटकुल्ला सुनाया, चुटकुल्ला सुन के सब हंसे लेकिन गधा नहीं हंसा। 3 दिन बाद जब शेर वहां से जा रहा तो गधा जोर जोर से हंसने लगा। शेर ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? बोले, वो तुम परसों चुटकुल्ला सुना रहे थे ना, उस पे आज हंसी आई मुझे, क्योंकि समझ में ही आज आया है। हम लोग भी ऐसे ही हैं दीर्घसूत्री। हम लोग ज्ञान श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सुंदर भाव गीता आदि के श्रवण करते हैं, सुन करके केवल सर हिला देते हैं, लेकिन उसको जीवन में लाने में हमको महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दीर्घसूत्री हैं। उसका तत्क्षण मनन नहीं करते, उसको तत्क्षण समझने का प्रयास नहीं करते, उस पर तत्क्षण एक्शन नहीं लेते, ऐसे दीर्घसूत्री हैं हम लोग। नारद जी महाराज कह रहे, महाराज बहुत बड़े बड़े महल बने हुए थे, मैंने पूछा ये किसके हैं, तो बोले ये त्यागी जी के हैं, नाम है त्यागी, बना रखे महल। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के। इतना शोर कहां से आ रहा है, बोले मौनी बाबा के आश्रम से। ऐसी स्थिति, इतनी सारी कन्याएं किसकी, बोले सन्यासी बाबा की। ऐसी स्थिति हो गई है संसार की, ये केवल आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले नारद जी महाराज ने दर्शन किया इन सब चीजों का। नारद जी बोले, सब जगह भटकता हुआ मैं तो इतना परेशान हो गया कि अरे राम मैं कहाँ आ गया, तभी मैं भ्रमण करता करता कहाँ पहुंचा। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, तभी मैं यमुना के तट पर श्री वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन में जाके मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन तभी मैंने यमुना के पुलिन पर एक आश्चर्य देखा। क्या, कैसा आश्चर्य देखा? बोले एक युवती बैठी है, परम सुंदरी युवती, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस युवती से मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये तुमने अपनी गोद में वृद्धों को क्यों लेटा रखा है? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रितिख्याता इमो मे तन यो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोग वृद्ध हो गए। मैं भी वृद्ध थी पहले, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध। नारद जी बोले, मैं समझा नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहने लगे, हम जिस नगर में जाते हैं वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है उसके अनुसार हमारा रूप हो जाता है। लोगों के अंदर भक्ति तो है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य का लेश है। नारद जी बोले, कहां कहां गई तुम? तब भक्ति बताती है, उत्पन्ना द्रवणेशा वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म हुआ कहां? द्रविण, दक्षिण भारत में। और मैं कुछ कुछ रही कहां? कर्नाटका में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी रही, लेकिन गुर्जरे जीर्ण ताम गता। अब इसके 2 भाव हैं, एक तो यह है कि गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई, मतलब बुढ़ी हो गई, लेकिन जीर्ण शब्द का अर्थ है कि यह भी बताते हैं कि वृद्धावस्था केवल और केवल शरीर वृद्ध होने को ही वृद्ध थोड़ी कहते हैं।
वृद्धता का मतलब क्या होता है? बहुत अनुभवी होना, वह भी वृद्धता का मतलब है। तो इसका एक सीधा अर्थ करते हैं, क्योंकि गुजरात में ऐसा तो नहीं है कि भक्ति जीर्ण हो गई हो, आज भी गुजरात में भक्ति बहुत पुष्ट है। गुजरात के लोगों का भाव, गुजरात के लोगों की जो श्रद्धा है ठाकुर जी के प्रति, वो देखने में ऐसा लगता नहीं कि यहां भक्ति जीर्ण होगी। तो क्या कह सकते हैं? बोले इस भाव को कह सकते हैं कि भक्ति वहां जाकर के अनुभवी हो गई, अनुभवी हो गए। लेकिन वृंदावन आकर के भक्ति महारानी युवान हो गई, ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध है। ये बात आज भी मैं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी हम लोगों के भीतर भक्ति तो युवान है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं। और माफ करना है, जब पुत्र प्रसन्न नहीं रहते ना तो मां कभी खुश रह नहीं पाती। जब तक मां को खुश नहीं रख पाओगे तब तक बालकों को खुश नहीं रख पाओगे तब तक मां खुश कैसे रहे। इसलिए ज्ञान वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। अब कैसा ज्ञान और कैसा वैराग्य? ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान बहुत ग्रंथों का अवलोकन करना ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय है विवेक युक्त होना, विवेकी होना। मेरे लिए क्या उचित है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या बुरा है, इन सब चीजों का मनन चिंतन, इसको विवेक कहते हैं। और वो विवेक होना ही ज्ञानी, ज्ञानी होना है। और विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं और सत्संग के बिना विवेक नहीं। इसलिए क्या करना है? सत्संग करना, उससे हमें विवेक मिलता है। संत जन आए तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, इसको विवेक कहते हैं। बच्चों के प्रणाम को देख करके इसलिए इच्छा ही नहीं होती कोई प्रणाम करे। कैसे प्रणाम करते? घोंटू छूते हैं। यहां पर जंघा पर कौन छूता है? और कई लोग तो बड़ा विचित्र प्रणाम करते हैं, झुक जाएंगे और घोंटू पे हाथ लगा के, यही नहीं पता हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। इसी को कहते हैं विवेक। संतों के सामने बैठे तो कैसे बैठे, संतों से बोलें तो कैसे बोलें, माता पिता से कैसे बात करनी चाहिए, समाज में बैठो तो कैसे बैठो, ये सब विवेक कहलाता है। ये विवेक हम शून्य हो चुके हैं। ये विवेक कहां से मिलता है? सत्संग से प्राप्त होता है। इस विवेक की प्राप्ति ही ज्ञानी होना है। बहुत शास्त्रों का और ग्रंथों का अवलोकन करने से एक दोष आ सकता है, वो है अहम, अहंकार, कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। वहां पर भी विवेक शून्यता रहती है, लेकिन विवेक सत्संगी बनकर के, गुरुजनों के चरणों के आश्रित बनकर के आप विवेकी बन जाओगे। और वो विवेकी होना कोई ज्ञानी से कम नहीं है, वो ज्ञान ही है। उस ज्ञान को ग्रहण करो। दूसरा आता है वैराग्य। भक्ति का पहला पुत्र ज्ञान और दूसरा पुत्र वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब क्या है? सब तज हरि भज, सब छोड़ दे। नहीं, छोड़ जगत की आशा कर श्री राधा चरण की आश रे मन कर वृंदावन वास। अब सुनो, छोड़ जगत की आशा, उत्तर यहीं छुपा है। जगत को मत छोड़, जगत से आशाएं छोड़ दे। ये जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोगों से, वो छोड़ दो। जो छोड़ जगत की आशा कर अब श्री राधा चरण की आश रे मन, शरीर को भी नहीं कहना है, मन से कहना। वैराग्य क्या है? अब सीधा समझो, मतलब पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं, सबके संग रहो लेकिन मन से सबकी जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। पत्नी दूर जावे तो अरे मैं तेरे बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मेरा क्या होगा,
मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं तो वैसा हो जाऊंगा, और मैं रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना, आंखें सुजा ली, बैरागी बने डोल रहे हो सब जगह कहाँ है। ये वैराग्य नहीं, ये छोड़ना नहीं। रहो संग में लेकिन मन से आसक्ति छोड़ दो, और केवल पत्नी बच्चे नहीं, हर वस्तु के प्रति, ठाकुर जी के अलावा हर वस्तु के प्रति तुम्हारा वैराग्य हो जाए। वैराग्य मतलब उसके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाए। दो स्थिति होती है गुलाब जामुन ना खाने की। एक स्थिति तुमको मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है तो फिर क्या करें, छोड़ दो। और दूसरी स्थिति सामने रखा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं जाता। ये दोनों स्थितियां हैं, श्रेष्ठ कौन सी? सामने रखी और तुम्हारा मन ना जावे। ऐसे ही संसार की हर वो वस्तु तुम्हारे सामने हो जिस पर तुम्हारी इंद्रियां आकृष्ट हो सकें, लेकिन तुम उसके प्रति अपना मन आने ना दो, उसको कहते हैं वैराग्य। इसके लिए एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, एक एक्सरसाइज है क्या, आंखों को जो वस्तु प्रिय है वो उसके सामने धर दो और फिर दूर से ही देखो, उसको पाना मत, बस देखते ही रहना। इच्छाएं बहुत होंगी कि इसको जाकर के इसका स्पर्श करूं, या आंखों को जो वस्तु चाहिए वो उसको दिला दूं, लेकिन अपने मन पर वशीकरण करना, उसको ना देना, अपने इंद्रियों की हर उस वस्तु को सामने रख करके अपनी इंद्रियों पर वशीकरण करने का प्रयास करो। जिस दिन हो जाए उस दिन समझना ठाकुर जी ने अब कृपा प्रारंभ कर दी। या फिर दूसरा उपाय है, केवल और केवल सदगुरु चरणाश्रय। कोई संत जन कृपा कर दें, तुम पर ऐसी दृष्टि डाल दें कि उस दृष्टि के पड़ते ही तुम्हारी इच्छाएं नष्ट हो जाए उस वस्तु के प्रति, तो वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा एक और मार्ग, सहज मार्ग बता दूं, कुछ ना भी कर सको तो एक चीज कर दो। पत्नी नहीं छोड़ पा रहे, बच्चे नहीं छोड़ पा रहे, भोजन की वस्तुएं नहीं छोड़ पा रहे, सोना खाना पीना ये सब भोग विलास की वस्तुएं चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तुम रह नहीं सकते, शरीर हमारा ऐसा आदि हो गया है तो क्या छोड़ें, कुछ तो छोड़ना चाहिए, वैराग्य में कुछ तो छोड़ो। क्या छोड़ोगे? तज मन हरि मुखन को संग, सूरदास जी कहते हैं। किसको छोड़ो? बस लोगों में उन लोगों को छोड़ दो जो हरि विमुख, और यदि ये हरि विमुख वाले व्यक्ति तुम्हारे अपने भी हो तो उनको भी छोड़ दो। अब दूसरी बात, छोड़ना किसे कहते हैं? छोड़ने का मतलब उसको शरीर से, घर से निकाल दो, शरीर से छोड़ दो, नहीं, मन से छोड़ दो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को जबरदस्ती उन लोगों के पास जाना पड़ता है जिनसे हमारा मिलने का मन नहीं होता, लेकिन जाना पड़ता है। हम अपने आप को ऐसा क्रिएट करके जाते हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहां आकर के, लेकिन हमारा मन नहीं होता। बोले मैं तो ऐसी व्यवहार की वजह से आ गया, मेरा मन तो नहीं था। ऐसे ही जो हरि विमुख कराने वाले हों, ऐसे लोगों को मन से छोड़ दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन को संग। मुझे ये पद बहुत प्रिय है, इसलिए लगभग अपनी कथाओं में जरूर गाता हूं। सूरदास जी कह रहे हैं, त्यागना है तो किसको त्यागो? जो तुम्हें तुम्हारे लाल जी से दूर कर दे, तुम्हारे नाथ से दूर कर दे, तुम्हारी कथा से दूर कर दे, ठाकुर जी के संत जनों से तुमको दूर कर दे, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कहती है कि गुरुर् न शिष्यात् स्वजनो न शिष्यात् पिता न शिष्यात् जननी न शिष्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च शिष्यात् नमोचयेत् समुपयेत् मृत्युम्। गुरु न शिष्यात्, उस गुरु को छोड़ दो जो भगवान को पीछे रखे अपनी पूजा पहले करावे। स्वजनो न शिष्यात्,
उन प्रियजन परिवारी जनों से नाता तोड़ दो जो भगवत विमुख हो, जो तुम्हारे बद्रीनाथ जाने की खबर सुन के हंसी उड़ा रहे हो। अच्छा बद्रीनाथ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने हो, उससे बढ़िया मनाली चले जाओ। बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ से ऊपर है औली, वहां चले जाओ। उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। हमारे नाथ का मजाक उड़ाता है, नाथ की कथा का मजाक उड़ाता है, हमारे भाव का मजाक उड़ाता है, ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध रखना? भले तुम्हारे कोटि काम बन रहे हो उससे, उसको तुरंत त्यागो। पिता न शिष्यात्, ऐसे पिता का भी परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, जैसे प्रहलाद ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। अब देखो प्रहलाद जी ने ऐसा तो नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, क्योंकि युवान लोग आजकल भक्ति के प्रति बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उनके माता पिता कई बार नहीं होते घर में ऐसे कि वो उनको भक्ति के लिए देख के खुश होते हो। पागल हो गया है क्या, क्या पूरे दिन लड्डू गोपाल सेवा करता है? ऐसे कई बालक आते हैं मेरे पास। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग नहीं किया, पिता को पिताजी बोलता था, पिता के संगी रहता था, पिता के बाद, लेकिन पिता ने जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पिता ने जो जो चीजें कहा था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, प्रहलाद जी सब स्वीकार करते थे। बस बाह्यमुखी ना होकर के अंतर्मुखी हो गए थे, अंदर से करते थे। ये भी तो पिता का त्याग है कि आप पिता की आज्ञा नहीं मानते। कैसे नहीं मान रहे हो? बाह्य रूप में तो प्रहलाद जी दिखाते थे कि मैं दैत्य विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूं, दैत्य विद्या सीख रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हरिस्मरण करते रहते थे। ये पिता का त्याग ही तो है। आपने मन से पिता की आज्ञा नहीं मानी, ये पिता का त्याग है। कहने का मतलब परिवार के ऐसे सदस्य जिनको आप खुद से दूर नहीं कर सकते, मन से उनकी आज्ञाएं मानना बंद कर दो, मन से त्याग कर दो। पिता न शिष्यात् जननी न शिष्यात्, मां का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। भरत जी ने त्याग किया अपनी मां केकई का। दैवम न तस्यात्, उस देवता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। हम ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का, देवराज इंद्र का। पतिश्च शिष्यात्, पति का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ब्रज गोपियों ने त्याग किया अपने अपने पतियों का। पत्नीश्च शिष्यात्, उस पत्नी का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवादिदेव महादेव ने त्याग किया सती का, क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जो कोई भी भगवत मिलन में बाधा बने उसका मन से त्याग कर दो, मन से उसको निकाल दो। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। ओ जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग हो, परत भजन में भंग। आप कभी असत वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते, असत स्थानों पर नहीं जाते, असत लोगों से नहीं मिलते, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से आप स्वयं को ऐसे स्थान पर पहुंच जहां पर आप पिछले 25 सालों में नहीं गए, जहां पर आप पिछले 30 सालों में नहीं गए, वहां जाकर के आपको ऐसा लगने लगे, अरे राम मैं यहाँ, ये जगह मेरे लिए नहीं, मैं क्यों आया यहाँ पे। ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई जगह जिस व्यक्ति की वजह से पहुंच जाओ, छोड़ दो उसको। जाके संग कुमति उपजत है, दुर्मति आवे, जो आपने कभी ना किया हो वो करने की इच्छा हो जाए,
ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना, ये सावधानी के लिए बताया जा रहा है। और पढ़त भजन में भंग, रोज कितनी मालाएं करते हो? 11 मालाएं रोज करते हैं, 108 मालाएं रोज करते हो, लेकिन यदि आज तुम्हारी एक माला भी कम हुई है ना, कल किसके संग भोजन किया था, कल किसके संग बैठा था, किसके हाथ से पानी पिया था, विचार करना कौन ऐसा जीवन में आया जिसकी वजह से मेरा नियम टूट गया आज ठाकुर जी के सन्मुख बैठने का। पड़त भजन में भंग, तजुरे मन हरि विमुखन को संग, तजुरे मन हरि विमुखन को संग, तजुरे मन हरि विमुखन को संग, कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए, ऊर्जा से गाओ, श्वास नहीं फूलेगी इन पदों को गान करोगे तो, भाव से गाओ, ऊर्जा से गाओ, खूब उत्साह में गाओ। कहा हो भुजंग हो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत बड़ा पद है, सूरदास जी ने बहुत भाव कहे हैं। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, विष छोड़ना, विष उगलना नहीं छोड़ेगा। ऐसी हरि विमुख लोगों को तुम कितना भी सोचो कि ये सुधर जाएं, नहीं सुधरेंगे। वो लाल जी की कृपा हो जाए तो ही ये मान लिया करो बस, हरि विमुख लोग कौन है, दे आर नॉट इन्वाइटेड। आपके भक्ति भाव में वो इनवाइटेड नहीं है ठाकुर जी के द्वारा। तो जो अनइनवाइटेड है उनके अप्रोच लगाने से भी क्या फायदा, वो यहां आ भी जाएंगे तो उनको कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है। क्यों? काग ही कहा कपूर चुगाए, तो कौवा को कपूर चुगा दो तू गोरा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और स्वान नहाए गंग, स्वान को गंगा जी नहा दो तो पवित्र हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत
भाव कहे, लेकिन सूरदास जी अंत में कहते हैं, सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। जो एक बार या काली कमली वाले के है गए हैं, जो एक बार द्वारिकाधीश के है गए हैं, जो एक बार शिव बद्रीनाथ भगवान के है गए हैं, उन पे फिर दूजो रंग ना चढ़ सके, दूजो रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप संसार की वस्तुएं ना छोड़ सको, संसार के भोग विलास ना छोड़ सको, कोई बात नहीं, लेकिन हरि विमुख जिस वस्तु से हो रहे हो, जिस व्यक्ति से हो रहे हो, उसको तत्क्षण तिलांजलि दे दो, तत्क्षण त्याग दो। नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के भाव को सुना, भक्ति बोली मेरे पुत्रों को युवान कर दो भगवान। नारद जी महाराज बोले मैं कुछ उपचार ढूंढता हूं। सब जगह खोजते 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 नारद जी ने जब गीता आदि के पाठ सुनाए ज्ञान वैराग्य को, तो पाठ सुन के दोनों युवान हो जाते, लेकिन पाठ पूरा होते ही फिर वृद्ध हो जाते। यही स्थिति हमारी, हम जितनी देर कथा सुनते हैं ज्ञान वैराग्य दोनों भीतर से उठ जाते हैं हमारे। ऐसा वैराग्य आता है कथा सुन करके महाराज, घर परिवार सबको भूल जाते। ऐसा ज्ञान हो जाता है कि फिर हम साधारण व्यक्ति को तो आदमी नहीं समझते, आदमी से आदमी नहीं बोलते। जिसके सिर पर उर्ध्वपुंड नहीं त्रिपुंड नहीं, उसको तो इंसान ही नहीं समझते, ऐसा ज्ञान हो जाता है। लेकिन जैसी कथा विश्राम होती है फिर से दोनों सो जाते हैं। ज्ञान भी कहां चला गया, वैराग्य भी कहां गया, पता नहीं। ज्ञान वैराग्य दोनों शिथिल होके पड़ जाते हैं। नारद जी महाराज बोले कैसे इन दोनों की युवावस्था स्थिर हो। तब भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज्ञा करो। तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा कि आप सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज करते हुए नारद जी महाराज संतों के पास गए। संत बोले जब नारद जी नहीं जानते तो हम कैसे बताते हैं सत्कर्म क्या है, सत्कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। तब भ्रमण करते करते नारद जी इसी बद्रिकाश्रम में आए और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। नारद जी ने उनसे पूछा सत्कर्म क्या है, तब नारद जी महाराज को सत्कर्म के रूप में चार सत्कर्म बताए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, पांच प्रकार के सत्कर्म। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये पांच सत्कर्म है। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, बोले ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ में भी कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है, बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का ज्ञान अति श्रेष्ठ है, उसी के आश्रय में जाकर के आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः पुष्ट कर सकते हो। तब नारद जी महाराज का संशय था कि भागवत तो वेदों का सार है, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो सार कैसे कर देगा। तब उत्तर में सौनकादि ऋषियों ने कहा भूख लगने पर वृक्ष से जन्म लेने वाले फल ही पेट भरते हैं, वृक्ष पेट नहीं भरता। ऐसे ही इन संशयों को दूर करने के लिए वेदों से अवतरित हुई भागवत ही उस संशय को दूर कर पाएगी, वेद नहीं कर पाएंगे। भागवत की सन्निधि में जाओ। तब कहा कि महाराज ये भागवत की कथा कौन करेगा, कहाँ होगी। तब आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बताई। कौन करेगा, तो नारद जी महाराज बोले अब किसको ढूंढूं मैं, आप ही सुना दो। तो सनत कुमार थोड़े नीचे गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य थोड़े आगे आए, तो बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल मध्य में है हरिद्वार। बद्रीनाथ से 300 किलोमीटर और वहाँ वृंदावन से 300 किलोमीटर मध्य में आनंद नाम के वन पर गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, उसके समीप में आनंद नाम का एक वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। वहीं पर भागवत की प्रथम कथा सौनकादि ऋषियों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एवं असंख्य करोड़ों देवी देवता संत ऋषि सब पधारे, सबने वहां कथा सुनी।
सात दिन तक कथा सुनने के बाद भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुरुवदन्ते। भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों युवान हो गए और युवान होकर के कहने लगे, महाराज हम बड़े आनंदित हैं, कथा से हम युवान हो गए हैं, अब हमको आसन दो, हम कहाँ विराजें। बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने भी वैष्णव बैठे हैं इन सबके मन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य समस्त वैष्णवों के हृदय को आसन बना करके उसमें विराजमान हो गए। अब देखो भक्ति हृदय में विराजमान होती है तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है, क्योंकि भक्ति उसके पीछे चलते हैं भगवान और भगवान के पीछे चलती है लक्ष्मी और लक्ष्मी के पीछे चलते हैं मैं और आप, हम सब किसके पीछे चलते हैं, लक्ष्मी के पीछे। सबको धन चाहिए, सबको ये चाहिए, कहां से पैसा आवे। इसलिए भगवान, वैसे बुरा मत मानना, सही बात, भक्ति का मतलब यही है तुम भगवान के पीछे नहीं, भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाए। जैसे मीराबाई के पीछे पड़ गए, सूरदास के पीछे पड़ गए, तुलसीदास के पीछे पड़ गए, कुम्मन दास, गोविंद स्वामी, ये सब अष्ट सखा, इनके पीछे पड़ गए ठाकुर जी। कैसे पड़े? उनकी भक्ति के भाव को सुनकर के। वो कैसे होगा जब आप अपने आगे लक्ष्मी को ना रख करके भक्ति को रखो। हम अभी किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे भागो, लेकिन लक्ष्मी नहीं, भक्ति के पीछे भागो, भक्तों के पीछे भागो। तो देखो भगवान, भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पीछे हम। यदि हम अपना स्थान बदल दें, हम लक्ष्मी को छोड़ के भक्ति के पीछे चलने लग जाएं तो क्या होगा? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। तुम भक्ति का अनुगमन करो, ठाकुर जी और ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी दोनों तुम्हारा अनुगमन करेंगे। ये भाव है, इसी भाव को हृदय में हृदयस्थ रखो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयतेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र से बंद करके नारायण हृदय में आ जाते हैं, इसलिए भक्ति को जीवन में आनंद से विराजमान करो। बंधुओं, ये महात्म का एक भाव, हम यहाँ आज विराम करते हैं। अब महात्म की कथा को हम प्रणाम करते हैं और कल से बद्रीनाथ भगवान जैसा योग बनाएंगे, जिस भाव को कहलाना चाहेंगे वैसा भाव हम लोग कल से कथा में कहेंगे। प्रेम और भाव से आप सब लोग यहाँ विराज रहे हो। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने भक्ति का भाव का ध्यान रखना, विकारों को उत्पन्न होने मत देना। ये तपस्थली है, थोड़ा बहुत समय निकाल करके भगवत भजन का तप जरूर करना, बद्रीनाथ भगवान को दिन रात वंदन करना। ये नरनारायण पर्वत है, इनको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार प्रणाम करना, संत जनों को देख करके तुरंत नतमस्तक हो जाना, किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना, सबसे प्रेम भाव रखना। इसी प्रकार हमारे ये 7 दिन व्यतीत हो जाएंगे, बहुत आनंद से सब कुछ हो जाएगा। आप सब लोग पधारे हैं, अपना बहुत ध्यान रखिए। कल की कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी, 6:30 बजे तक रहेगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए 2:30 बजे से पहले ही प्रसाद पा करके थोड़ी देर आराम करके कथा में 2:30 बजे तक आ जाइएगा और 3 बजे से ये कथाक्रम चलेगा। प्रेम और भाव से सब लोग जय जयकार करें। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण।
आरती का मंगल दर्शन लाभ लें। कल 2:30 बजे सब लोग उपस्थित। जय श्री कृष्ण। आरती के लिए यहाँ पर श्रीमान मधुसूदन जी अग्रवाल, श्रीमान यशवर्धन जी जो दिल्ली से पधारे हैं, और श्रीमान चित्रांग जी पुजारी जी, और श्रीमान विष्णु प्रसाद जी जो गुजरात से हैं वो भी यहाँ आए, श्रीमती विपुला देवी कमलेश गुजरात से हैं वो भी यहाँ आए, आकर के आरती में सम्मिलित हों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखम कवि गलित निगम कल्प फल, कवि गलित निगम कल्प फल, परमा पावन पुराण।
Yeah.